Okay, good morning everyone. Am I clearly audible to all of you? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible to all of you? Yes. Please confirm. Okay, just a second. I suppose I'm not getting your voice. Just hold on for a second. अभी कोई कुछ बोली है? एनीवन, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर. ओके, या थैंक यू सो मच. सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. नाउ मुझे ये बताओ, हर एक क्वेश्चन डिस्कस करना है या फिर कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस में ही डाउट है, ये बताओ पहले तो. सर, लिमिटेड क्वेश्चन में डाउट. ठीक है, चलेगा. सो देयर आर टू ऑप्शन. या तो अगर आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया है तो वो मुझे शेयर कर दो, या फिर आप मुझे क्वेश्चन का नंबर बता दो तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ. सर, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं पहले प्रॉपरली सारे जो भी डाउट्स हैं. जैसे एक आपने बोला क्वेश्चन नंबर 10, और बताइए. सर, 6. 6, ओके. और सर, 12. ओके, बाकी लोग भी बोलो. सर, 17. ओके, 17. ओके, 2, 4, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 17. ओके, और बताइए. मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं तो हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा कुछ हो तो बताओ. सर, 8. 8, क्वेश्चन नंबर 8. ओके, और देखो. 10. 10, 10 ऑलरेडी हो गया बेटा. और बोलो. चलो अभी इतना मैं स्टार्ट करता हूँ. 8. हाँ, 8 भी हो गया बेटा. लास्ट में 8 लिखा है हम लोगों ने. 7. यस, 7 इज न्यू. 7 ले लेते. हाँ, यस बेटा. 9. ओके, ठीक है, 9 भी ले लेते हैं. और बोलो. ओके, सो आई सपोज अभी इतने पार्ट पे स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ और डाउट होगा तो मुझे बता दे जाना. मैं वन बाय वन क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, सो चेक करते जाओ और इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग प्रॉपरली. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपका पेपर ओपन कर लूँ. सबसे पहले आपने बोला था सेकंड क्वेश्चन, सो सेकंड से स्टार्ट करते हैं. So, just a second. हाँ, यहाँ पे आ गया अपने पास सेकंड क्वेश्चन. हाँ, चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अमान है. हाँ, अमान मुझे बताओ इसका अप्रोच बेटा कैसे यूज किया आपने? 7 का स्क्वायर लिखा, 7 1 अपॉन 2 लिखा. वेरी गुड. 25 का 5 का स्क्वायर और 5 1 अपॉन 2. वेरी नाइस. log 2 का स्क्वायर और 2 1 अपॉन 2. वेरी गुड. देखो, क्वेश्चन सिर्फ आपके पास दो स्टेप का था, आपको लॉजिक प्रॉपर क्रैक करना था. अमान ने जो बोला वो बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है. देखो यहाँ पे आपको तीन log के टर्म दिख रहे हैं, सो इनको सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हो गया,
इन क्वेश्चंस को या इस लॉक को मैं ऐसा लिखूंगा, 49 जो है उसको आई कैन राइट 7 स्क्वायर, और रूट 7 इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 1/2। सबको ये क्लियर है? मैंने सिर्फ पावर को सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट इज 25 जो है उसको मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 5 स्क्वायर एंड 5 टू द पावर हाफ। ओके, नेक्स्ट इज जो 4√2 है उसको मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 2 स्क्वायर इनटू 2 टू द पावर हाफ। तो इस पूरे स्टेप में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? एनीवन? ओके, अब मुझे बताओ क्या मुझे किसी भी लॉग का बेस दे रखा है? क्या किसी भी लॉग का बेस नहीं? तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलोगे कि सबका बेस सेम है, एंड लेट्स से सबका बेस 10 अज्यूम कर लिया बेसिकली। अब मुझे बताओ लॉग ए प्लस लॉग बी का प्रॉपर्टी या फॉर्मूला क्या था? जब दो लॉग को ऐड करते हो तो क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करने के पहले एक छोटा सा काम और कर लेना। मुझे बताओ 7 टू द पावर 2 इनटू 7 टू द पावर 1/2 इसको आप नेट क्या लिख सकते हो? 5/2 7 टू द पावर 5/2। नेक्स्ट इज यहां पे बताओ इसको क्या लिखोगे? 5/2 log 5/2 अगेन 5 टू द पावर 5/2 एंड लास्ट टर्म में क्या लिखोगे? -2 5/2 5/2। वेरी गुड। अब यहां पे कोई लॉग का प्रॉपर्टी यूज हो सकता है क्या पावर के लिए? सर आगे शिफ्ट हो जाएगा। यस, वेरी गुड। सभी 5/2 आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कैन आई से आई कैन टेक 5/2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, सभी टर्म्स में से आ जाएगा। सो लॉग 7 प्लस लॉग 5 माइनस ऑफ लॉग 2 द होल डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 17.5। नाउ अब यहां प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। log a प्लस log b कितना हो जाएगा? 35 और माइनस log 2 मतलब 17.5। यस, 35/2। इन दोनों का सम मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा और इसका डिवीजन हो जाएगा, तो 7 × 5/2 मतलब 17.5। तो फाइनली ये दोनों आपस में कैंसिल, आपके पास सिर्फ आंसर बचेगा 5/2 व्हिच इज दिस वन। ठीक है, तो यहां पे लॉजिक ज्यादा नहीं था, यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट था और इस कैलकुलेशन को क्लिक कैसे करना था। सो यहाँ पे हर एक चीज को आपको प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, अपने आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता। ठीक है, सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? सर इसमें बेस नहीं लेना था। बेटा बेस आप चाहो तो ले सकते हो, बट सबका बेस सेम है तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेट अस से अगर आपने बेस सपोज 10 अज्यूम कर लिया तो सबका बेस 10 चल रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, और सेकेंडली एक चीज ये भी ध्यान रखो, अगर किसी क्वेश्चन में लॉग में बेस नहीं दिया हुआ है, खाली लॉग एक्स लिखा है, तो उन्होंने बताया था कि इट इज अंडरस्टूड कि ये लॉग एक्स टू द बेस 10 है। हाउएवर एज पर द रिक्वायरमेंट आप चाहो तो बेस को अज्यूम कर सकते हो। द ओनली कंडीशन इज कि जो भी अज्यूम करोगे सभी लॉग को सेम अज्यूम करना, ऐसा रैंडम मत करना कि एक को 2 लिया, एक को 3 लिया, एक को 5 लिया, आपको सभी लॉग को सेम बेस अज्यूम करना है। तो यहाँ पे बेस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट बेस 10 लेके चल रहा था, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया अभी। ठीक है, ओके, चलो सेकंड के बाद आपका नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाँ, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा था या फिर ये असाइनमेंट में था, बट ये हमने डिस्कस किया जहाँ तक मुझे याद है। जस्ट सेकंड, तो सेकंड आ गया, फोर्थ इज दिस वन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बिकॉज इस टाइप का ही क्वेश्चन था। सर सेम था। सेम था, ओके, चलो वेरी गुड। हाँ, अब मुझे बताओ इसका अप्रोच क्या था, उस समय क्या किया था हम लोगों ने? सर a प्लस 2b का होल स्क्वायर करने पे जो 4b बचता है वो ऐड कर दिया था, 4ab दोनों साइड। वेरी गुड, करेक्ट। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा था a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab एंड हमको कहीं ना कहीं log of a प्लस 2b का वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब एक सिंपल सा अप्रोच है, मुझे अगर a प्लस 2b चाहिए तो मुझे इस टर्म को a प्लस 2b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे a प्लस 2b तो नहीं लिखा है, पर दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, मतलब कहीं ना कहीं
ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ पे मुझे इसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 4ab को ऐड करता हूँ। अब जब मैं दोनों साइड 4ab को ऐड करूंगा तो देखना क्वेश्चन कैसा दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 16ab। ये करने का बेनिफिट क्या है वो देखो, ये जो तीन टर्म्स हैं, इन तीन टर्म्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए प्लस 2b द होल स्क्वायर। ये सबको समझा मैंने क्या किया, ये मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया a प्लस 2b का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर a प्लस 2b ही क्यों, तो a प्लस 2b का मुझे फंक्शन चाहिए था इसलिए मैंने उसको क्रिएट किया बस खाली। अब नेक्स्ट स्टेप तो क्लियर है, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, बिकॉज इसमें लॉग चाहिए था। जब दोनों साइड लॉग लिया तो ये हो गया लॉग ऑफ a प्लस 2b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 16 टाइम्स ऑफ a इनटू b। नाउ अब यहाँ पे अपने पास मुझे बताओ प्रॉपर्टी क्या चलेगा, ये 2 के साथ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो, यस नहीं डिवाइड नहीं होगा बेटा, मल्टीप्लाई रहेगा फिलहाल के लिए। तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग a प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे तीन वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में है, तीनों को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। आई कैन राइट दिस पार्ट एज लॉग 16 प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी। सबको समझा मैंने क्या किया यहाँ पे, यस सर। ओके नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज सिंप्लीफिकेशन ओनली, लॉग ऑफ ए प्लस 2b। जब लॉग ऑफ ए प्लस 2b हम लिखेंगे तो ये जो 2 है ये 1 अपॉन 2 बन जाएगा। मुझे बताओ लॉग 16 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 2 raised to 4, वेरी गुड। तो क्या फाइनली मैं इसको बोलूं, इट इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ लॉग 2, 2 raised to 4 का 4 आगे आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ लॉग 2 प्लस लॉग a प्लस लॉग b। तो अपना जो भी आंसर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, 1/2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ लॉग 2 प्लस लॉग a प्लस लॉग b, दिस वन विल बी योर फाइनल आंसर। सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4, जिनका भी डाउट था। ओके सो इसमें से 2 एंड 4 आर डन। नेक्स्ट आता है अपने पास 6 7 8 9 10, ये लाइन से है 6 7 8 9 10। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे हाँ चलो 6 का अप्रोच मुझे कौन बताएगा, एनीवन? 2 और 3 को रिप्लेस करनी, 2 और 3 बेस सेम, बेस पावर सेम, सर पहले हाफ कर देंगे, ओके रूट हटा देंगे, ओके चलो जो आपने अप्रोच बोले हैं दोनों ही अप्रोच करेक्ट है, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है। मैं अप्रोच आपको बताता हूँ एग्जैक्टली इसमें हम क्या करने वाले थे और कहाँ पे उसका लॉजिक क्या है। सो 6 में अपने पास यहाँ जो फंक्शन दिया था वो कुछ ऐसा था, 2 to the power log of 3√3 to the base 10 is equal to 3 to the power k times of log 2 to the base 10। पहला अप्रोच तो ये कहता है कि अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में इक्वल है, अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में इक्वल है तो उनका बेस सेम बनाओ, पावर अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो पहला अप्रोच ये है कि हम दोनों का बेस सेम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी था कि अगर कहीं भी a टू दी पावर log ऑफ x टू द बेस b लिखा हुआ है तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। इसी पार्ट को यू कैन राइट x टू दी पावर log ऑफ a टू द बेस b। सबको याद है प्रॉपर्टी, यस सर। हाँ यस, तो ये प्रॉपर्टी यूज करने का यहाँ बेनिफिट क्या होगा कि बेस कहने के 3 के फॉर्म का बन जाएगा, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, आप चाहो तो इसको राइट में यूज करो, फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनली आपको सेम आंसर मिलेगा। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि राइट में यूज करना ज्यादा बेटर है, टर्म ज्यादा इजी रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को रखते हैं एज इट इज, 2 to the power log of 3√3 to the base 10 is equal to, इसको लिख सकता हूं 2 to the power k times of, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के पहले, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी अप्लाई करने के पहले ध्यान रखना कि लॉग के आगे का कोफिशियंट 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे,
पर यहाँ पे अभी कोफिशियंट के है, तो पहले इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा 3 to the power यस के को हम पावर में ले लेंगे, 2 to the power के टू द बेस 10, ठीक है, ये सबको समझा। अब जब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो प्रॉपर्टी के बाद ये कैसा दिखेगा इसको देखना। अब ये 2 to the power k ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो ये आपको दिखेगा 2 to the power k टाइम्स ऑफ log 3 टू द बेस 10। अब मैंने क्या किया, 2 to the power k को 3 से रिप्लेस कर दिया, सो 3 ऊपर चला गया और 2 to the power k नीचे आ गया। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, अब ये इजिली सॉल्व हो सकता है, द रीजन बींग कि दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है और दोनों साइड में आपके पास कहीं ना कहीं बेस सेम है। ऑब्वियसली अगर दोनों का बेस सेम तो दोनों के पावर भी इक्वल होने चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा log टू द बेस 10 ऑफ 3√3 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ log टू द बेस 10 3। क्या इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log टू द बेस 10 ऑफ 3√3 इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ 3 to the power k, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग? Yes. Now, दोनों साइड के log इक्वल तो अंदर की पावर भी इक्वल, या अंदर के वैल्यूज भी इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा 3√3 इज इक्वल टू 3 to the power k। नाउ मुझे बताओ 3√3 को क्या लिखोगे फाइनली पावर के फॉर्म में? 3/2। यस, 3 to the power 3/2, बिकॉज ये हो गया 3 to the power 1, ये हो गया 3 to the power 1/2, तो 3 to the power 3/2 is equal to k, मतलब आपको मिलेगा k का जो वैल्यू है that should be equal to 3/2। This is one approach, आपके पास इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे अप्रोच है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। The logic behind any of the approach is कि आप उसको अप्रोच को अप्लाई करने के पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि इस अप्रोच को लगाने से बेनिफिट क्या होगा। जैसे मैंने अप्रोच क्या सोच के लगाया कि कहीं ना कहीं मुझे दोनों का बेस सेम बनाना है, अगर मैं बेस सेम बनाऊंगा तो पावर को कंपेयर कर सकता हूँ और वहां से मुझे k का वैल्यू आ जाएगा, तो दैट वॉज द लॉजिक ओनली। यस बेटा, सर जो ये प्रॉपर्टी लगाई उसमें वो लॉग के आगे वन कंपलसरी है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा ना? देखो क्या होता है, ट्रांसपोज़ लेके आते हो बराबर आंसर पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा, बट क्या होता है ना कि वन बना लोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी हमने उस फॉर्म में पढ़ रखी है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पे k कभी यूज नहीं किया था। हाउएवर आई नो k इन टर्म्स ऑफ k आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, चलेगा, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, बट क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी इस फॉर्म बताया था इसलिए मैंने कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व किया। बट यस, आप चाहो तो उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो बाय टेकिंग k, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑप्शन सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा। ओके सर, ओके, चल दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट 7 देख लेते हैं। हाँ, 7 जो क्वेश्चन है इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन बट यस इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने देखा था ऑलरेडी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक अप्रोच भी बताया था कि इस अप्रोच को यूज करोगे तो ये क्वेश्चन जनरली इजिली सॉल्व होगा। That approach was कि पावर को सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व, यस, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो टर्म लिखा हुआ है इस टर्म का सिंप्लीफाइड वैल्यू कैसे आता है और इसका अपने पास फाइनल लॉजिक क्या है, रूट ओवर रूट टू ऑफ रूट टू। सो अब मैं इसको लिखूंगा बेसिकली 2 to the power। हाँ, अब मुझे ये बताओ इसको सॉल्व करना आप स्टार्ट जब करते थे तो आउटर मोस्ट से स्टार्ट करते थे या इनर मोस्ट से करते थे? सर इनर मोस्ट, इनर, यस, इसके लिए इनर मोस्ट से यूज करते थे। तो बाहर के टर्म को रखो एज इट इज, बाहर का रूट टू एज इट इज, सेकेंड रूट टू भी एज इट इज, थर्ड वाला जो आएगा यहाँ से मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता हूँ, ये 2 एज इट इज और रूट टू को आप क्या लिखोगे 2 to the power 1/2। अब मुझे बताओ ये दोनों टर्म मिलके क्या बन गए? 3/2। नेक्स्ट मैंने इसको सेम रखा, अब ये बन गया 3/2 और ऊपर एक रूट लगा हुआ है, तो इस पूरे टर्म का नेट वैल्यू कितना बोल सकते हो पावर के साथ? 3/4। यस, 3/4, तो इट इज 2 into 2 to the power 3/4। अब वापस से 2 into 2 की पावर 3/4 ये कितना बनेगा? 7/4। यस, तो इसको आप लिखोगे रूट टू और 2 की पावर 7/4। अब मुझे बताओ 2 की पावर 7/4 का रूट कितना हो जाएगा?
7/8. Very good. 2 की पावर 7/8. Now next term is 2 into 2 की पावर 7/8. कितना हो जाएगा? 15/8. तो इसको आपने लिखा 2 to the power 15/8. और इसका रूट फाइनली क्या बनेगा? 15/16. तो ये बनेगा 2 to the power 15/16. This is supposed to be the simplification part जो आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना था. अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. कैसे? जो आपके पास ये रूट के टर्म है इसको मैं लिख दूंगा 2 to the power 15/16. इसका जो बेस है उसको मैं लिख दूंगा 2 की पावर 1/2. अब आपको अप्रोच पता है, मुझे बताओ इस अप्रोच को सॉल्व कैसे करते हैं? ये पावर कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर में. तो ये हो जाएगा 15/16. What about this 1/2? 2/1. Yes. So upon में आ जाएगा आपके पास 1/2, जो फाइनली जाएगा न्यूमरेटर में बेसिकली. तो into 2 हो जाएगा और बचेगा आपके पास log of 2 to the base 2. तो ये पूरा नंबर तो 1 हो जाएगा. तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 15/16 into 2. 2 से कैंसिल तो मिलेगा 15/8. ठीक है. तो इस पूरे पार्ट में सिर्फ इतना ही पार्ट सिंप्लीफाई करना था. और वो सिंप्लीफाई कैसे करना है वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया. मुझे बताओ इस पार्ट में किसी को कुछ डाउट? एनीवन? ओके. इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, उसको भी अगर रेफरेंस यूज कर सकते हो. चलो ये हो गया 7th. नेक्स्ट इज 8th वन. एट में आपको इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना था. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना. अच्छा कोई बताएगा अप्रोच? कन्वर्स ऑफ बेस चेंजिंग थ्योरम. वेरी गुड. यहाँ सबसे पहले यूज करोगे कन्वर्स ऑफ बेस चेंज थ्योरम. उसका रीजन है यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ए टू दी पावर में फंक्शन लिखे हुए हैं लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस बी, और इसका भी बेस बी है, द होल डिवाइडेड बाय log of a to the base b. अब इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर है वो एक सिंगल लॉग में लिखा हुआ है. मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होगा एंड होपफुली देयर इज अ चांस ऑफ दिस प्रॉपर्टी log of log x to the base a. मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना होता था? x. Yes, it is equal to x. तो इसका चांस बन सकता है ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने का, बिकॉज दिस इज वन प्रॉपर्टी जो एक्सपोनेंशियल को सीधे x में कन्वर्ट करती है, और यहाँ पे वही कुछ लिखा हुआ था. अब ये जो न्यूमरेटर है इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना केयरफुली. यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है log of log x to the base b, और इस log का बेस b है, होल अपॉन log of a to the base b. हमारे पास एक थ्योरम था बेस चेंज थ्योरम. अगर मैं उसको रिवर्स वे में देखूं तो क्या इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इट इज नथिंग बट log of log x to the base b होल टू द बेस a. Yes. ये सबको समझा? दोनों का बेस सेम था तो इसको हटा के हम इसको log of log b to the base, sorry, log of log x to the base b whole to the base a लिख सकते हैं. This is supposed to be the most important step of this question. अगर ये हुआ तो question solve हो चुका है. क्यों? अब आप power को directly replace करो. जब आप power को replace करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, log of log x to the base b whole to the base a, और ये एक ही power में. अब आप देखो ये दोनों सेम हो गए. अगर ये दोनों सेम तो आपका आंसर सीधा ये आ जाएगा. दैट मींस योर फाइनल आंसर शुड बी log of x टू द बेस b. ये आपका रहेगा फाइनल आंसर, log of x टू द बेस b. ठीक है. पूरे क्वेश्चन में दो ही स्टेप इंपॉर्टेंट थी. पहला, ये टर्म को बेस चेंज थ्योरम से सिंप्लीफाई करना, एंड दूसरा इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे log का बेस और नंबर का बेस दोनों सेम है तो आपका आंसर सीधा x हो जाएगा, और वो x लिखा हुआ था log of x टू द बेस b. मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ पे डाउट? सर वो बेस चेंज वाला फिर से बताओ एक बार. ओके, बेस चेंज वाला समझने के लिए मुझे खाली इतना बताना, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. और सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है log of 3 to the base 2 upon log of 5 to the base 2. तो अप्लाई बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करने के बाद इसको आप क्या लिख देते हो? सर log of 3 by log of 2 हाँ. तो फाइनली क्या होता है आपके पास वो डिवाइड होकर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. अच्छा मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूँ.
सो इसको आप लिखते थे log 3 अपॉन log 2 द होल डिवाइडेड बाय log 5 अपॉन log 2, बराबर log 2 से log 2 कैंसिल. नाउ log 3 अपॉन log 5, इसका मतलब क्या हो गया? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर. सेम चीज को मैंने यहाँ भी अप्लाई किया, देखना कैसे. यहाँ अप्लाई किया बेसियस थ्योरम तो ये बनेगा log of log x to the base b अपॉन log b. यहाँ बनेगा log a अपॉन log b, दोनों का log b कैंसिल, तो फाइनली बनेगा log of this अपॉन log of a, तो फाइनली ये बनेगा. हाँ सर, समझा. ठीक है, चलो, ओके. हाँ, किसी और को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 8 में? नो. ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9. आई थिंक 9th क्वेश्चन तो हमने शायद सॉल्व कर रखा है क्लास में, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं. ये आपके नोट्स में होना चाहिए. एलिमिनेशन नहीं समझा. ओके, चलो चेक कर लेते हैं. इसको डिस्कार्ड कैसे करेंगे वो नहीं समझा. ओके, अच्छा, वो नहीं समझा, पर इसमें डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि इसका तो आंसर ही मुझे दो दिख रहे हैं. चलो चेक कर लेते हैं एक बार. यहाँ पे आपके पास लॉग, आपको एक इक्वेशन दिया था बेसिकली लॉग का. अब इन क्वेश्चंस को हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था कि कभी भी आपको अगर लॉग का इक्वेशन दिया हो तो जस्ट ऑब्जर्व करो कि आपके पास क्या टर्म का रिक्वायरमेंट है, क्या आपको लॉग को एलिमिनेट करना है. लाइक इन दिस क्वेश्चन, यस, लॉग को एलिमिनेट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं एक इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है. यस, मुझे एक इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है और वो इक्वेशन प्योरली एक्स के फॉर्म में होगा तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 2. नाउ अब इस लॉग को हम एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 10 है ये कहीं ना कहीं 2 की बेस में जाएगा. तो फाइनली आपको क्वेश्चन दिखेगा 98 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 100. अब इस 98 को आपने शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 2. नाउ स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, जैसे स्क्वायरिंग किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 4. अब आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0. मुझे बोलो इस इक्वेशन के फैक्टर्स क्या हैं? इजी है, x माइनस 8 एंड x माइनस 4. यस, 8 एंड 4 इसके फैक्टर्स है बेसिकली, माइनस 8 एंड माइनस 4. तो इसको आप लिख दोगे x माइनस 8 इनटू x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो यू विल गेट टू आंसर्स, x इक्वल टू 8 आपका एक आंसर होगा और x इक्वल टू 4 आपका दूसरा आंसर होगा. नाउ अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में 4 और 8 दोनों भी है, सिंगल 4 सिंगल 8 भी है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको खाली एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये 4 और 8 को पुट करने पे लॉग के अंदर का टर्म पॉजिटिव बनना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि 98 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि रूट डिफाइन होना चाहिए. अगर मैं 8 पुट करूं तो यहाँ आ जाएगा 64 प्लस 36 विच इज 100, 100 माइनस 96 4. तो यस, ये डिफाइन है, इसमें कोई इशू नहीं है. 4 अगर आपने पुट किया तो ये हो गया 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 36 52 माइनस 48 4. यस, ये भी डिफाइन है. तो दोनों पे आपका रूट वेल डिफाइन है इसलिए दोनों आपके आंसर हो गए. अगर किसी पे आंसर नेगेटिव आता या रूट के अंदर नेगेटिव बनता तो उस केस को हम डिफाइन नहीं करते. तो सिंपल सा क्वेश्चन था. यस बेटा. सर मैंने ऐसा किया था x माइनस 6 द होल स्क्वायर, फिर मैंने को माइनस भी लेना पड़ा था. हाँ, वहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सपोज करो अंडर रूट के अंदर कभी x स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा? प्लस x और माइनस x. प्लस माइनस. एक्चुअली इसका आंसर होता है मॉड एक्स, जो हम पढ़ने वाले हैं. और मॉड एक्स को आप फाइनली क्या करते हो, प्लस माइनस एक्स लिखते हो. तो जो आपने लिखा था, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर. नाउ ये जो एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर है इसको आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस सिक्स और इसी को आप लिखोगे प्लस माइनस ऑफ एक्स माइनस सिक्स. अब आपके आंसर आ जाएगा, आपका आंसर मिस्टेक नहीं होगा. अब एक बार प्लस से सॉल्व करोगे तो एक केस मिलेगा, माइनस सॉल्व करोगे तो सेकंड केस मिल जाएगा. ठीक है, तो मेरा हाँ, अगर आपने सिर्फ x माइनस सिक्स लिया तो आपका एक ही आंसर आया होगा और वहां पे गड़बड़ हो जाएगी. सो इसको हमेशा ध्यान भी रखो, कभी भी आपके पास अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन का स्क्वायर आएगा ना, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ. यहाँ पे आपका रहेगा प्लस माइनस ऑफ x बाई सिक्स. इस कंडीशन को इस तरीके से ध्यान रखना, कभी भी रूट के अंदर
किसी भी फंक्शन का स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स का अगर होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन करने के बाद हम लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर इसी को आप बोल सकते हो इट इज प्लस और माइनस एफ ऑफ एक्स. आपको दोनों केस देखना पड़ेंगे, प्लस एफ ऑफ एक्स का भी और माइनस एफ ऑफ एक्स का भी, बिकॉज दोनों पॉसिबल है इस केस में. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इससे आपके आंसर मिस्टेक नहीं होंगे. सॉरी बेटा सर, इसमें आगे कैसे सॉल्व होगा, एक्स माइनस को कैसे करेंगे यार? ओके, देखो अब यहाँ पे अगर आपने वो टर्म को यूज किया तो अब ये इक्वेशन कैसा दिखेगा समझना. ये दिखेगा 98 प्लस माइनस ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 100, बराबर. अब यहाँ पे इस 2 को हटा दो तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, प्लस माइनस ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 2. मुझे बताओ इस इक्वेशन तक कुछ प्रॉब्लम? सर ये जो साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना सर? हाँ वही बताऊंगा मैं, बट आपको यहाँ तक का इक्वेशन समझा ये मैंने कैसे लिखा? हाँ सर. अब यहाँ पे क्या करना है, दो केस को सॉल्व करना है. एक बार आप प्लस के साथ सॉल्व करोगे, अगर एक्स माइनस 6 के आगे प्लस लगा हुआ है तो ये इक्वेशन दिखेगा एक्स माइनस 6 इक्वल टू 2, अगर एक्स माइनस 6 के आगे माइनस लगा हुआ है तो ये दिखेगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 2. तो मैंने अपने ही क्वेश्चन प्लस माइनस को दो केस में ब्रेक किया, ये आपको समझा? हाँ सर. अब मुझे बताओ फर्स्ट केस से x का वैल्यू कितना आएगा? 8. तो यहाँ से एक सोल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 8. नाउ सेकंड केस को सॉल्व करता हूँ, सेकंड केस में माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये दिखेगा माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 2. अब इस x को यहाँ लो और 2 को यहाँ लो तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 आ गए आपके दोनों वैल्यूज. ठीक है, देखो अगेन वही मैथमेटिक्स है, घुमा फिरा के कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम आना चाहिए और अप्रोच लॉजिकली करेक्ट होनी चाहिए, खाली ये दो चीजें हैं. तो यहाँ पे हमने वही लॉजिक यूज कर लिया कि इस केस के लिए अपने पास यहाँ पे जो भी वैल्यूज थे उनको सिंप्लीफाई किया और हमको आंसर मिला 8 and 4 फाइनली. चलो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है. टेंथ का मुझे अप्रोच बताओ. अच्छा क्वेश्चन था सर, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल कर देने को, फिर दोनों का लॉग और उसका बेस सेम लेके आने का, फिर एक रिलेशन मिलेगा a क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन b, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है. ओके चलो ठीक है, मतलब कहने के आपने जो किया है वो इक्वेशंस को सॉल्व करने का ट्राई किया है और सिंपलीफाई करने का ट्राई किया है, which is not bad idea, correct है, उस approach को आप use कर सकते हो. अब यहाँ पे इस question के लिए थोड़ा सा और समझना, इसको simplify करने के लिए आप और क्या कर सकते थे. देखो कहीं ना कहीं क्या था ना कि आपके पास जो भी values थे वो log के form में थे. ठीक है, अब मैं इसको simplify कैसे करता हूँ उसका एक approach और देख लो. First जो equation है मैं उस equation को लिखता हूँ log of a to the base 2. Second equation जो आपका expression है उसको मैं लिखूंगा 1/2 times log of base log of b to the base 2. सबको समझा मैंने इसको ये कैसे लिखा, log b to the base 4 को I can write? Yes, okay. इस तरीके से बताओ थर्ड टर्म को क्या लिखोगे, log c to the base 4 को? क्या इसको भी हम सेम लिख सकते हैं? 1/2 log of c to the base 2 is equal to 2. अब ये करने का रीजन क्या था भी आपको समझेगा, फर्स्ट टर्म को रखो एज इट इज log of a टू द बेस 2, सेकंड टर्म को मैं लिखता हूं log of yes root b टू द बेस 2, एंड थर्ड टर्म को मैं लिखता हूं log of root c टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2. अब ये करने का बेनिफिट क्या हुआ, तीनों log का बेस सेम हो गया, log a प्लस log b प्लस log c, तो क्या बोलू तीनों का आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा बेसिकली. सो log of a into root b into root c is equal to 2,
और अब इस लॉक को मैं रिमूव करता हूँ। जब इस लॉक को रिमूव करूंगा तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा a इंटू रूट बी इंटू रूट सी इज इक्वल टू फोर, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड ताकि इक्वेशन आसान फॉर्म में दिखे। तो यहाँ आपको एक स्क्वायर टर्म दिख रहा है a स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू 16। मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन के सिंप्लीफिकेशन में कुछ कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एनीवन? सर यस बेटा। सर ये हाफ को ऊपर जब ले जाएंगे तो 2 नहीं होएगा? नहीं बेटा, 2 क्यों होगा? देखो इसको मुझे ऐसा बताओ, सपोज कहीं पे लिखा हुआ है log of root x, तो इसको आप लिखते थे log of x की पावर 1/2 बराबर। यस सर। और जब ये 1/2 आगे आएगा तो इसको आप क्या लिखोगे? 1/2 टाइम्स ऑफ log x, ये लिखते थे। अब इसी प्रोसेस को रिवर्स देख लो, आपको समझ जाएगा मैंने यहाँ पर रिवर्स यूज किया है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आया a स्क्वायर bc इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन समझाने के लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया। अब सेकंड को मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, देखना कैसे। एक का बेस 9 है, एक का बेस 3 है, एक का बेस 9 है, तो सभी को बेस 3 में रिड्यूस कर लूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म को डायरेक्टली, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ए टू द बेस 3। सबको समझा है कैसे लिखा? यस सर। ओके, क्या सेकंड टर्म में कुछ चेंज करने का रिक्वायरमेंट है? नो सर। ओके, तो लॉग ऑफ बी टू द बेस 3। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड टर्म को क्या लिखूंगा ये बोलो? यस सर, लॉग ऑफ रूट सी टू द बेस 3। log of root c to the base 3 is equal to 2. Now, अब पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये मुझे प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ ऐसा मिलेगा, log of root a into b into root c to the base 3 is equal to 2. तो फाइनली आपको आंसर दिखेगा root a into b into root c is equal to 3 to the power 2, that is 9. स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, अगेन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये बनेगा आपके पास a टाइम्स b स्क्वायर इनटू c इज इक्वल टू, यहां पे हो गया अपने पास 81। दिस बिकम्स द सेकंड इक्वेशन। जैसे सेकंड को सिंप्लीफाई किया, अब थर्ड को भी कर लेते हैं। मुझे बताओ थर्ड इक्वेशन में कौन सा बेस बनाएंगे हम लोग, सबसे इजी कौन सा बेस रहेगा? फोर। ओके, बोलो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं? Sir, log root a to the base 4. Okay, what about the second term? Log root b to the base 4. Log root b to the base 4. Or what about the third term? Sir, same rahega. Same rahega. Log c to the base 4 is equal to 2. Ab isko main likh sakta hu, directly main likhta hu basically. Root a into root b into c is equal to 4 square, that is 16. Toh yahan pe aapko answer milega a into b into c square is equal to आपके पास 16 का square, that is nothing but equal to 256। ये हो जाएगा ये third equation का solution। यहाँ तक के parts सभी को clear है? Yes sir। Yes। Okay, अब मुझे ये बताओ कि कहीं ना कहीं मेरे पास कैसा है ना कि a b c square का value आ गया, a square b c का value आ गया और a b c square का value आ गया। अब मुझे यहाँ से a b और c का individual value कैसे मिलेगा? सबसे इजीएस्ट अप्रोच क्या होगा इसके लिए? आपकी आवाज ब्रेक हो गई, वापस बोलो एक बार, क्या बोल रहे थे? एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, जो वैल्यूज मिली है तीन उनके मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है सर, दिस इज उससे भी इजी मेथड एक हो सकता है, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इसको समझने का ट्राई करना। हम क्या करेंगे, इन तीनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो भी अपने तीन आंसर आए हैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे खाली इतना बताओ, जब मैं तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे a का पावर कितना आएगा? क्यूब। नहीं बेटा, a क्यूब पावर 4 आएगा, क्योंकि a स्क्वायर a और a a रेस टू 4। नेक्स्ट बताओ b रेस टू 4, b रेस टू 4, b रेस टू 4 एंड c का पावर c रेस टू 4।
सी रेज टू 4। तो आपको समझा होगा मैंने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन एक सिंपल सा एबीसी की फॉर्म में बन गया। अब बचते हैं राइट हैंड साइड, इसको केयरफुली समझना। ये 16 जो है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 16 को? ठीक है, नेक्स्ट इज 256, इसको मैं लिखूंगा 4 to the power 4। समझे, 16 का स्क्वायर है बेसिकली, तो 4 to the power 4। नेक्स्ट इज 81, इसको मैं लिख दूंगा 3 to the power 4। तो मुझे बताओ यहां तक के पार्ट में किसी को कुछ प्रॉब्लम? सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यही वाला स्टेप करना है? हाँ, उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, एक बार कैलकुलेशन कर लें तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्टेप का लॉजिक क्या है और क्यों हमने पर्टिकुलरली इस स्टेप पे फोकस किया। जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है? अभी एक बार सिंपलीफाई कर लेते हैं। 24। हाँ, तो ये हो जाएगा बेसिकली 24 to the power 4। अब आपको दिख रहा है कि एबीसी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 24 to the power 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 24। ये समझा आपको? अब इससे अपने सभी वैल्यू इजीली हो जाएंगे। समझना कैसे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। फर्स्ट इक्वेशन में आपको दिया था ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी सी, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू 16, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी सी इक्वल टू अगर 16 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटू ए बी सी, एक ही बात है। yes, sir. और ABC का वैल्यू था 24, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा A is equal to 16 upon 24, 8 से कैंसिल आउट किया, आपको सीधा आंसर मिलेगा A is equal to 2/3। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको A का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। ये सबको समझा? अब इससे ये हो गया कि आपने A को सॉल्व किया, तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, बिकॉज A का वैल्यू 2/3 आया है, या तो ऑप्शन A चलेगा या फिर ऑप्शन D चलेगा बेसिकली। नेक्स्ट, जो अप्रोच मैंने एक ऑप्शन के लिए यूज किया वही मैं किसी और इक्वेशन के लिए यूज कर लेता हूँ, लेट अस से इसके लिए, ठीक है? ए बी स्क्वायर सी। अब मुझे बताना, अगर ए बी स्क्वायर सी 81 है तो इसको आप क्या लिखोगे सिंपलीफाई करने के लिए? बी इंटू ए बी सी इज इक्वल टू 81। अगेन ए बी सी को आप लिख दोगे 24, तो आपको मिलेगा बी इज इक्वल टू 81 upon 24। ये आई थिंक 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, जब 3 से कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा 27/8। तो B का वैल्यू आना चाहिए 27/8। अब B का वैल्यू दोनों में सेम था, 27 सॉरी इन दोनों में, सो ये आपका आंसर आ गया। इसमें तो B का वैल्यू डिफरेंट है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन A, ठीक है? अब जो आपने डाउट पूछा था कि सर क्लिक कैसे करेगा, बट इसका एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका है पहचानने का कि ये स्टेप को कब यूज करते हैं। देखो, आपके पास 3 एक्सप्रेशन बने हैं, इन तीनों एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। नाउ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखो, क्या आपको तीनों में एक पैटर्न दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में? यस सर। हाँ, तो वो पैटर्न अपने को हेल्प करता है इस स्टेप को गेस करने के लिए, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है ना कि एक वेरिएबल की पावर 2 कर रहा है, बाकी 2 की पावर 1, फिर अगले में चेंज हो गया, फिर अगले में चेंज हो गया। जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सबका वैल्यू सेम हो जाएगा, बिकॉज पैटर्न सिमेट्रिक था, तो कहीं ना कहीं सबके पावर सेम बन जाएंगे, और जब सबके पावर सेम बनेंगे तो मुझे एबीसी का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। जैसे ही मुझे पता है कि अगर मैं एबीसी फाइंड आउट कर पाया तो कहीं ना कहीं मुझे इससे ए मिल जाएगा, इससे सी मिल जाएगा और इससे बी मिल जाएगा। तो दैट वॉज द लॉजिक कि मैंने मल्टीप्लीकेशन क्यों यूज किया, बिकॉज कहीं ना कहीं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन था। जब भी आपको ऐसे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके उनको इक्वल पावर बना के सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. Okay. देखो, अब now this is one such question जो काफी lengthy था। मतलब इस question के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि almost 4 से 5 मिनट आप लोगों को लगेगा। But yes, ऐसा नहीं है कि ये question छोड़ना था। The reason was कि इसके पहले के कुछ questions थे जो I think 10 second, 15 second, mostly 1 minute में solve हो जाते हैं। तो उन सब का time save करके आपको यहाँ पर time allot करना था। ये होता है paper का strategy। जैसे for example, मैं आपसे simple सा चीज बोलूँ। This was question number 10। जानबूझ के इसको बीच में रखा गया था, उसका reason था। कुछ लोगों का ये हुआ होगा मे बी कि जो इसको प्रॉपरली सॉल्व करने गए उन्होंने इसमें इतना टाइम ले लिया कि आगे के क्वेश्चन देख नहीं पाए, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपको क्वेश्चन में सिलेक्टिव रहना है। भले ही आपको दिख रहा है कि आपको इसका अप्रोच आता है, बट अगर आपको आइडिया है कि ये लेंदी होने वाला है तो इसको क्या करोगे, फिलहाल के लिए इसको मार्क कर लोगे। वहां पे एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू, तो मार्क फॉर रिव्यू करके इसको आगे बढ़ जाओगे। अब आपको पता है कि अगर आपके पास एंड में टाइम बचेगा, आपका पेपर 1 आवर का था, आपको लगता है कि 40 मिनट्स में मेरा काम खत्म हो गया, तो मुझे आता था मैंने कर लिया, नाउ लास्ट 20 मिनट्स इज फॉर एक्सपेरिमेंटिंग एंड इंक्रीजिंग माय स्कोर, तो अब उस आखिरी के टाइम में इसको यूज करोगे। बिकॉज हो सकता है कि इस क्वेश्चन को करने के चक्कर में
आपने 10 मिनट वेस्ट किए एंड आखिरी के 3 क्वेश्चन आप नहीं देख पाए जो आसान थे और आपको आते थे बेसिकली, तो वहां पे रिग्रेट ना हो। इसलिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग के पार्ट में जब फर्स्ट राउंड ऑफ अटेम्प्ट करोगे तो बी सिलेक्टिव, जो आपको लगता है कि ईजी है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम लेगा, उन सबको पहले सॉल्व कर लो, जो लेंदी है उनको मार्क कर लो, उनको सॉल्व करना बट आखिरी में करना बस खाली, ठीक है। सो सबको 10th क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस चलो नेक्स्ट कौन सा था, यहाँ पे मार्क चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ यहाँ पे आपके पास अभी 2-4 के बाद 6-7-8-9-10 ये कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट मुझे कौन सा दिख रहा है, 12-14-15 ठीक है, इस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज 12 अब ये मोस्टली वो क्वेश्चन था जो शायद से एक मिनट में बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। यस यस अब जिसने भी सॉल्व किया मुझे अप्रोच बताओ इस क्वेश्चन का। इक्वल्स टू के करके एक्सपोनेंशियल में करके सर इक्वल्स टू की वैल्यू पुट के। यस ओके देखो दो अप्रोच जो आपने बोले हैं दोनों ही करेक्ट हैं। जैसा एक मैंने बताया था कि इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में जहां पे मल्टीपल इक्वेशंस मिलेंगे तो इक्वल टू के करके सॉल्व करना आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हो, आपको डायरेक्ट के आंसर मिलेगा। जैसे इस केस में मैं एक काम करता हूं, log of x to the base y is equal to log of y to the base z is equal to log of z to the base x is equal to इसको k मान लेता हूं कुछ तो। अब मुझे बताना जब मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मुझे ऐसा मिलेगा, x is equal to y to the power k। Yes, sir. Yes, sir. जब मैं सेकंड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा बोलो, y equal to z to the power k एंड जब थर्ड को सिंप्लीफाई करूंगा तो z equal to मिलेगा x to the power k। तो इन गिवन इक्वेशन को लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे किया है सबको क्लियर है? यस सर। सर इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे डायरेक्टली तो वन आंसर आ रहा था। मल्टीप्लाई करने पे राइट वन आएगा तो वही तो अपना आंसर है बेटा। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या हो जाएगा, इन तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको दिखेगा x into y into z is equal to y into z into x whole to the power k, ठीक है। अब यहाँ भी x y z लिखा है, यहाँ भी x y z लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, k का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। अब k का वैल्यू 1 आया तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि k equal to 1 मतलब x equal to क्या हो गया y, y equal to हो गया z और z equal to x मतलब तीनों आपस में equal, that's it, ये अपना answer है। हमको उसने condition पूछते ना बस खाली कि तीनों में relation क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा yes, होगा, तो यहाँ पे तीनों equal हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि ये question hardly 1 minute का था, in fact 1 minute भी नहीं, 30 seconds में easily solve होता है ये question, अगर आपने approach का step properly use किया है तो। सबको समझा? बट डायरेक्टली बेटा मल्टीप्लाई कैसे करोगे, बिकॉज क्या है ना कि आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है जो इसके इक्वल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कहने का एक इक्वेशन बनेगा जो इतना इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल रहेंगे। तो मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में हिंट भी दिया था जब इसको टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन साइन देना जहाँ पे मल्टीपल इक्वल टू साइन लगे हुए हैं तो उन सबको इक्वल टू कुछ के मान के अज्यूम करो, क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे वही हुआ, के मान के सबसे इजी अप्रोच में आपको क्वेश्चन मिल गया और एक सिंपल सा सोल्यूशन आ गया आपके पास, ठीक है। यस ओके 12 के बाद नेक्स्ट था आपका 14 एंड 15। 14 अगेन सेम क्वेश्चन है, बता देता हूं मैं, सेम अप्रोच सेम क्वेश्चन, इनफैक्ट आप लोग भी बता सकते हो अब तो। हाँ मुझे बताओ 14th के लिए क्या अप्रोच यूज करना प्रेफर करोगे? करके अल्टरनेटिव। हाँ यहाँ पे भी आप अगेन इक्वल टू के मान के सिंप्लीफाई कर सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपने log a अपॉन 3 सॉरी नॉट log 3 log a अपॉन 3 इज इक्वल टू log ऑफ b अपॉन 4 इज इक्वल टू
log of c upon 5, इसको suppose के assume किया। अब मुझे बताओ इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करने पे जब फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, log of a is equal to 3k। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज को लेके केयरफुल रहना है, यहाँ पे आपका जो log है उसका बेस नहीं दिया है, तो बेस नहीं दिया तो क्या assume करोगे, 10। तो क्या मैं यहाँ से बोलूं कि जो a है इसका वैल्यू रहेगा 10 टू दी पावर 3k, ये सबको क्लियर है, a इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 3k, समझा कि नहीं? हाँ सर। ओके, इसी लॉजिक से डायरेक्टली बताने का ट्राई करो, b का वैल्यू कितना आएगा, 10 टू दी पावर 4k। यस, ये होगा 10 टू दी पावर 4k। व्हाट अबाउट c का वैल्यू, 10 to the power 5k। Now, अब आपसे क्या बोला गया था समझना, आपसे बोला था कि a into c का वैल्यू किसके बराबर रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, जब मैं a into c को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, a into c मतलब हो गया 10 to the power 3k into 10 to the power 5k, तो मुझे बताओ ये नेट कितना बनेगा, 8k। Yes, 10 to the power 8k। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 4k का होल स्क्वायर? Yes। और 10 टू दी पावर 4k कितना था, b, तो फाइनली ये आ गया अपने पास b स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर b। अगेन अ वन मिनट क्वेश्चन, इक्वल टू k मान के सॉल्व किया, अपने आप आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes। Okay, चलो moving to next one, this is 14th, अब 15 discuss कर लेते हैं। 15th is, as far as I remember, ये question भी हमने class में solve किया है अपने notes में, एक बार check करना और मुझे approach बताना। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन का अप्रोच बोलो अभी। x टू दी पावर ओके, वेरी गुड, लॉग ले लेंगे। सो अगर मैंने दोनों साइड लॉग लिया, सो यहां पे अपने पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, लॉग ऑफ x टू दी पावर ट्वाइस ऑफ लॉग x, twice of log x to the base 10 is equal to log of 1000x। Now, अब मुझे बताओ, log तो मैंने ले लिया, पर log का base क्या लूँ? So 10, yes, 10, very good. 10. Log का base 10 लेंगे, because already एक log का base 10 given था, और 10 से question simplify भी होता है, तो this is supposed to be my first system। अब मुझे बताओ, left hand side का simplification कैसे होगा? जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 10 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू, इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 10^3। यस, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा अपने पास a इनटू b वाला, दैट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। सबको समझा मैंने क्या किया, 1000x था तो इसको लिखा log of 1000 plus log of x। Now, अब ये सब करने का रीजन और इसका बेनिफिट क्या होगा ये समझना, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं log x to the base 10 को कुछ t assume करूंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मुझे उसी फॉर्म में दिख रहा है, तो मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, टी स्क्वायर। यस, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 2t square। ये टर्म सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, 3t। Yes, very good. Only 3t नहीं. Next is, इसको आप किससे replace कर रहे थे, t से।
ये बन गया आपका इक्वेशन। नाउ अब इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना आता है, 2t² माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। जब इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको दिखेगा इट इज इक्वल टू माइनस 3t प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से आपने t कॉमन लिया तो ये बनेगा 2t माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया अगेन हो जाएगा 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से वी हैव टू सॉल्यूशन, t इक्वल्स टू माइनस 1 और t इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमको t सॉल्व नहीं करना था, हमको log सॉल्व करना था या x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस करने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट के लिए log ऑफ x टू द बेस 10 इसको मैं लिखूंगा इक्वल टू माइनस 1, सेकेंड पार्ट के लिए log ऑफ x टू द बेस 10 इसको मैं लिखूंगा 3/2। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपके पास जब log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू माइनस 1 है, log को रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, x इक्वल टू कितना, आप लिख सकते हो 10√10। तो ये दो आपके आंसर होने चाहिए, 1/10 एंड 10√10 विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबको समझा सॉल्व कैसे किया, फर्स्ट स्टेप का LHS मतलब ये वाला बेटा, थर्ड स्टेप का, ओके ये वाला। सो यहाँ पे एक चीज ये समझना, इस पूरे टर्म को एज अ सिंगल टर्म देखना, log of x होल टू द पावर समथिंग। तो हमको पता है कि कहीं भी अगर अपने पास log of x होल टू द पावर m मिलता है तो ये m को हम आगे लाके ऐसा लिखते थे m टाइम्स ऑफ log x। तो ये वही है, x की पूरे पावर में ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर कंप्लीट पावर में है। तो ये नंबर फाइनली क्या होगा, ये आगे आ जाएगा अपने पास। जब ये नंबर आगे आएगा तो यहाँ पे आपको ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स दिखेगा और बचेगा क्या, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10। अभी समझे? यस सर। ओके चलो, और किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में, एनीवन? ओके चलो, ये अपने पास अभी हो गया 12, 14 एंड 15। हाँ यहाँ पे 12, 14, 15. अब नेक्स्ट है 17 एंड देन 19 से लेके 22. हाँ नेक्स्ट आपके पास 17th क्वेश्चन है, दिस इज काइंड ऑफ कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे कि कंपेयर कैसे करना है वैल्यूज को। कंपेयर करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, यस किसी भी एक को सेम बनाओ पहले एंड देन फिर कंपेयर कर लो, आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। लाइक इन दिस केस, हाँ यहाँ पे अपने पास जो अपने को कंडीशन दी गई है वो कुछ ऐसा बोला है, हाँ यहां जो अपने कंडीशन दी है उसमें कुछ ऐसा बोला है कि जो x है दैट इज इक्वल टू log 5 टू द बेस 3। मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूं log 5 अपॉन log 3। जो y है उसको बोला है log 25 अपॉन log 17। क्या मैं इसको लिख सकता हूं इट इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log 5 अपॉन log ऑफ 17। यहां तक कुछ प्रॉब्लम किसी को? No. देखो कंपैरिजन का लॉजिक बहुत सिंपल चलता है, कंपैरिजन करने के लिए कोशिश करना होती है कि यस। तो अब यहां पे मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ये समझना दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log 5 by log root 17 y को? ये समझा के नहीं, ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट था एक्चुअली। सर नहीं समझा, एक बार वापस। चलो मुझे इतना बताओ बेटा, log root 17 का सिंपलीफाइड वैल्यू आप ऐसा कुछ लिखोगे इट इज 1/2 टाइम्स ऑफ log root 17, सॉरी 1/2 टाइम्स ऑफ log 17।
ये सबको क्लियर है? तो सर वो कैंसिल आउट थोड़ी होगा, डबल हो जाएगा ना। वो तो सही बताता हूँ ना, ये आपको पता है ये कैसे लिखते हैं इतना पार्ट। अब इसको ऐसा देखो, log 17 यहाँ पे है और इसके अपॉन में 2 हुआ ना बेटा, log 17 के अपॉन में 2 है, यहाँ पे तो वही लिखा था देखो, log 17 के अपॉन में 2, तो इसको मैंने क्या लिखा, log root 17, यहाँ पे मैंने log root 17 लिखा। उसका रीजन बोलता हूँ आपको, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इतना कॉम्प्लिकेशन आपको क्यों दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशन इसलिए दिख रही है बिकॉज कहीं ना कहीं आप उसमें खेलने में उतना कंफर्टेबल नहीं हो, और करने का रीजन ये है ना कि एक साइड पे न्यूमरेटर log 5 है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नेक्स्ट साइड को भी log 5 ही बनाऊ ताकि कंपैरिजन करना मेरे लिए आसान हो जाए। तो टेक्निकली मैंने इसको रिवर्स यूज किया। अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में 1/2 टाइम्स ऑफ log 17 लिखा होगा तो क्या मैं इसको log root 17 लिख सकता हूँ? हाँ या ना, बोलो तो सही। Yes. So basically वही किया बस खाली मैंने, देखो log 17 by 2 मतलब ये 1/2 times log 17 हुआ, इसको मैंने log root 17 लिखा। इसमें डायरेक्ट कंपेयर कर सकते थे ना? कैसे? सर न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो सेम नहीं है ना, बट आगे 2 लिखा हुआ है ना। सर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करते तो 2 कैंसिल हो जाता है। बट आप खाली डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, अगर आप किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मतलब दोनों साइड पे, दोनों साइड पे। ओके, तो फिर यहाँ पे 2 क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं तो एक्स्ट्रा बनना ही है, फिर उसको आप 9 लिखोगे ऊपर ले। हां सर, बात तो एक ही पड़ी ना बेटा, घूम फिर के आपने प्रॉपर्टी यूज किया। चलो मैं बताता हूँ, एक जो मैंने बताया ये मे भी आपको कॉम्प्लिकेट अभी लग रहा होगा, बट जो उन्होंने बोला वो अप्रोच भी सेम यूज कर सकते हैं। मुझे खाली इतना बताओ, खाली मैं समझा रहा हूँ इस चीज को, कि 2 अपॉन log 17 को मैंने log root 17 लिखा, इसमें प्रॉब्लम अब आ रही है। मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया एक्चुअली इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, इसका इजी अप्रोच भी दूंगा, डोंट वरी, जो अभी डिस्कस किया उन्होंने बताया मैं वो अप्रोच बताता हूँ। बट यहाँ पे ये अप्रोच का बेनिफिट क्या था ना, x का जो न्यूमरेटर है वो भी log 5 है, y का जो न्यूमरेटर है वो भी log 5 है, तो न्यूमरेटर के बेसिस पे आप कंपेयर नहीं कर सकते, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर के बेसिस पे कंपेयर करना होगा। अब वो कंपैरिजन कैसे होता है ये समझो, 3 और रूट 17 दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, बोलो। रूट 17 बड़ा है, ऑब्वियसली रूट 17 बड़ा है, तो अगर मैं log लूंगा तो log 3 आपके पास log root 17 से छोटा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नाउ अब मैं कर रहा हूँ रेसिप्रोकल, मुझे बताओ किसी भी इन इक्वेशन में रेसिप्रोकल करने पे क्या होता था? साइड चेंज। यस, साइन चेंज होता था बेसिकली। तो ये हो जाएगा 1/log 3 इज ग्रेटर देन 1/log root 17। अब आपको ऊपर log 5 चाहिए, दोनों साइड log 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ऐसा दिखेगा log 5 अपॉन log 3, इसी को आप लिख सकते हो log 5 अपॉन log 3 should be greater than log of 5 upon log root 17. Now log 5 upon log 3 था आपके पास x, sorry log 5 upon log 3 as x था, and log 5 upon log root 17 y था, तो आपको condition मिलना चाहिए था x should be greater than y, this is option number c। तो ये एक approach हुआ, एक approach जो इन्होंने बोला वो भी समझ लो। हाँ बेटा, सर वो जो आपने रेसिप्रोकल करके साइन चेंज किया, वो इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी यूज किया ना? यस, इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी यूज किया बेटा। हाँ, अब ये तो हो गया अपना एक अप्रोच, अब एक सेकंड अप्रोच बताता हूँ जो उन्होंने डिस्कस किया था, वो अप्रोच भी करेक्ट है और हो सकता है कि वहां पे आपको लॉजिकल मिस्टेक ना लगे या टेक्निकल मिस्टेक ना लगे, बिकॉज वो अप्रोच रिलेटिवली नंबर्स के फॉर्म में इजी रहेगा। सो एक्स हो गया अपने पास log 5 by log 3, वाई हो गया अपने पास ट्वाइस ऑफ log 5 by log 17। इन्होंने ये बोला कि सर एक काम करो, आप वो रूट 17 लिखते हो मुझे कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे जो 2 है ना वो 2 यहाँ भी क्रिएट कर देता हूँ, तो इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। क्या ये हम कर सकते हैं क्वेश्चन में? इसमें तो कोई इशू नहीं है। हाँ सर, ठीक है। अब इसी टर्म को मैं क्या लिखूंगा समझना, मैं इसी टर्म को लिखूंगा ट्वाइस ऑफ log 5 by log of 9, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ अब कंपैरिजन करना ज्यादा आसान हो गया, कैसे? आपको दिख रहा है दोनों का न्यूमरेटर सेम है, ट्वाइस log 5, नेक्स्ट इज log 9 और log 17, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? log 7। ऑब्वियसली जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका नेट वैल्यू छोटा, तो log 17 बड़ा हो गया मतलब y का वैल्यू छोटा होना चाहिए, आंसर इज x greater than y।
आप कैसे भी सॉल्व करो यू विल गेट द सेम आंसर, सिर्फ कैसा है ना कि स्टेप्स को समझने का इंपॉर्टेंस था बस खाली, ठीक है। तो सेकंड मेथड सबको समझा कैसे सॉल्व किया? यस ओके। फर्स्ट वाले में हाँ बोला बोलो। फर्स्ट मेथड में आपने जो कन्वर्ट किया उसकी रिक्वायरमेंट नहीं समझी मुझे, वो रूट 17 वाले की। यस सर। बेटा उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है ना कि अपने पास जब भी हम दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे ना तो दोनों का न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर एक टर्म एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर इज log 5, ठीक है। इस केस में x जो है वहां पे न्यूमरेटर log 5 था, अब मुझे y का न्यूमरेटर भी log 5 बनाना था, यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, तो इस 2 को रिमूव करने के लिए मैंने ये स्टेप यूज किया बस खाली, ताकि ये 2 कहने की 17 कंज्यूम कर ले और यहाँ पे log 5 बन जाए, जिससे आई कैन डायरेक्टली कंपेयर। अब दोनों का न्यूमरेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर को मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ। अब समझे उसकी रिक्वायरमेंट? यस सर। ओके, कहीं ना कहीं वही अप्रोच हमने यहाँ भी यूज किया। द डिफरेंस वॉज के यहाँ पे मैंने इस log 5 के आगे 2 मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों को सेम बनाया, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो न्यूमरेटर है ये सेम होगा तो हमारे लिए डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना इजी हो जाएगा बस खाली। तो हमने दोनों केस में स्टेप वही यूज किया है, सिर्फ ये है कि एक केस में 2 एक्स्ट्रा क्रिएट किया, एक केस में 2 को एलिमिनेट किया बस खाली। चलो, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 17 के बाद नेक्स्ट आपके पास था 19 से लेके एंड तक के सभी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज 19। हाँ, दिस वॉज अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन बेसिकली। सर 18 में भी डाउट है। 18 भी है, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं जस्ट अ सेकेंड। सर 18 में तो डायरेक्ट आंसर है। हाँ 18 डायरेक्ट आंसर है, बताता हूँ, खाली प्रॉपर्टी उसमें यूज करना था, बाकी क्वेश्चन मोर लेस डायरेक्ट था। देखो 18 कैसा है ना, पावर की एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जस्ट अ सेकंड। यस, सो 18 वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को यूज करना था, आपको आंसर मिल जाएगा, विच इज a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस p। इस केस में हम क्या करते थे, इस log को सेम रखते थे, x और a को इंटरचेंज करते थे, तो यही वैल्यू बनता था x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको याद है, ये हम रिप्लेस करते थे log बेस को और log को, वही चीज यहाँ भी करेंगे। इसी केस में आप दोनों में से किसी भी एक टर्म को, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 2 और 7 को, तो अब ये क्वेश्चन क्या दिखेगा, 7 टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस अगेन 7 टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस 3, दोनों आपस में कैंसिल, आंसर 0, ठीक है। किसी भी एक में अप्लाई करोगे अपने आप दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको आंसर सेम मिलेगा। सेकेंडली आपको ऑब्जर्व करना था कि यहाँ पे इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो, जब इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो आपको दिखेगा बाय डिफॉल्ट कैंसिलेशन होकर आंसर 0 आ जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन था, 18 डायरेक्टली बनना चाहिए था, इट्स हार्डली अ 10 सेकंड का क्वेश्चन। चलो 19 देख लेते हैं। 18 वाज प्योरली बेस्ड आउट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर आपको आता है तो वो क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ, नेक्स्ट आपके पास एक इक्वेशन सॉल्व करना थी। अब इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली एक इक्वेशन दिया था, मुझे बताओ इसका अप्रोच क्या यूज किया? सर सबको log 2 बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया। यस, सबको log बेस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो फाइनली ये कुछ ऐसा बन जाएगा log ऑफ x टू द बेस 2, नेक्स्ट टर्म को शायद आप लिख सकते हो 1/2 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 2, सबको समझा? 1/4। Yes, very good. Next हो जाएगा 1/4 times log of x to the base 2. क्या ये step सबको clear है? Yes. Okay, अब सिर्फ आगे logical step था, इसमें आप कुछ पाएंगे। So multiplying throughout by 4. Yes, multiplying throughout by 4. जब throughout 4 से multiply किया तो ये हो जाएगा 4 times of log x to the base 2 plus 2 times of log x to the base 2
प्लस यहाँ पे हो जाएगा log of x to the base 2 is equal to 21. Now 4 plus 2 plus 1, तो ये फाइनली हो जाएगा आपके पास 7 times of log x to the base 2 is equal to 21. कैंसिल आउट किया तो आपको आंसर मिलेगा कि log of x to the base 2 is equal to 3 है. अगर log of x to the base 2 equal to 3 है तो x का वैल्यू होना चाहिए 2 का क्यूब, that is nothing but equal to 8. ये रहेगा आपका फाइनल आंसर. सबको क्लियर है ये? Yes, sir. सर वो 1/2 को हम लोग पावर में भी लेके जा सकते हैं ना? चलेगा, ले सकते हो बेटा, यहाँ पे 1/2 को पावर में ले सकते हो, बट उससे सिर्फ ये होगा कि आपको फिर log का प्रॉपर्टी वाला यूज करना पड़ेगा, log a plus log b plus log multiply. Yes, करेक्ट, उससे भी आपको मल्टीप्लाई मिलेगा, मल्टीप्लाई वाला. यस बेटा, करेक्ट. चलो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19. अगेन यू कैन से अ 1 मिनट क्वेश्चन, जहां पर टाइम सेव करना था. मूविंग टू नेक्स्ट वन, 20. हाँ, 20 जिस टाइप का क्वेश्चन है, अगेन ये टाइप हमने सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस किया है. सो मैंने वही टाइप आपसे पूछा था जहां पे हमको एक लॉग को सिंप्लीफाई करना होता था स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके. हाँ, अब मुझे बोलो इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच क्या था? आपके पास जो ये टर्म लिखा हुआ है log to the base 5 of log to the base 5 of log x to the base 2. Now start करने के लिए सबसे पहले इस log को eliminate करेंगे. जब इस log को eliminate किया तो ये 5 base में जाएगा. तो अब ये question दिखेगा आपको, log to the base 5 of log of x to the base 2 is equal to 5 to the power 0, that is 1. तो एक log हट गया. अब वापस से next log के लिए जाएंगे तो अब ये 5 base में जाएगा. तो अब क्या बचेगा? अब दिखेगा log of x to the base 2 is equal to 5. And last step में इस log को remove करेंगे तो अब ये जो 2 है ये कहीं ना कहीं, just a second, हाँ, अब ये जो 2 है ये कहीं ना कहीं अपने पास 5 में जाएगा. तो finally आपको दिखेगा x is nothing but equal to 2 raised to 5, that is equal to 32. ये रहेगा आपका इस part का answer. Again a simplest question. Step by step से log को remove करना था. जब भी हम ऐसे केस में लॉक को रिमूव करते थे, उन्होंने बताया था कि आउटर मोस्ट से स्टार्ट करेंगे, इनर मोस्ट पे कभी सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज डिपेंडेंसी आउटर मोस्ट पे ज्यादा आती है. पहले वो डिफाइन करेगा तो अंदर के वैल्यूज को चेक करना रहेगा. तो हमने स्टेप बाय स्टेप आउटर मोस्ट लॉक को रिमूव करना स्टार्ट किया, अपने आप आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 32. ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? एनीवन? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन, 21. सर आंसर लिखना था उसमें 2 raised to 5 लिखते तो करेक्ट आता. नहीं बेटा, वहां पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में आंसर लिखना था, दैट इज 32 बेसिकली. और टेक्निकली जहां तक मुझे लगता है कि आप 2 raised to 5 शायद लिख भी नहीं पाते, आपके कीबोर्ड में वो पावर का ऑप्शन नहीं दिखा रहा होगा ना वो कीपैड में, क्योंकि वहां पे सिर्फ नंबर्स ही दिखते हैं मेरे हिसाब से. 1 से लेके 0 तक के नंबर्स, मतलब 0 से लेके 9 तक के नंबर्स प्लस पॉइंट, खाली यही अलाउड था बेसिकली. तो आप पावर को वहां पे नहीं लिख पाते, आपको सिर्फ जो भी आंसर आएगा उसको फाइनल नंबर के फॉर्म में लिखना है. लेट अस से किसी केस में आपका आंसर आया सपोज 5/9, तो आप 5/9 भी नहीं लिख सकते, आपको 5/9 को सॉल्व करना है पॉइंट के फॉर्म में और आपको वो पॉइंट का आंसर लिखना है बेसिकली. ठीक है? यस सर. ओके, नाउ नेक्स्ट मुझे बताओ 21st क्वेश्चन का अप्रोच, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इस पार्ट को? सर 2 में कन्वर्ट कर, 2 के बेस में कन्वर्ट. यस, 2 के बेस में कन्वर्ट कर लेंगे. करेक्ट है, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 टू द बेस 2. नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या होगा? सर LHS 2 को शिफ्ट कर सकते, 2 को शिफ्ट कर देंगे. यस, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 टू द बेस 2 is equal to, 2 को shift किया तो ये हो गया आपके पास log of x minus 3 का whole square to the base 2. ठीक है, अब यहाँ पे दोनों log का आपके पास base same है तो equate कर देंगे सीधे. yes, x minus 1 is equal to x minus 3 का square. अब जब इसको मैं equate करता हूँ तो ये दिखेगा x minus 3 का square मतलब x square minus 6x plus 9. इसको further simplify कर लेंगे तो ये हो जाएगा x square minus 7x plus 10 equal to
जीरो। अब यहाँ पे आप फैक्टर्स निकालोगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे x माइनस फाइव टू, तो बेसिकली आपको दो आंसर्स मिलेंगे x इक्वल टू फाइव एंड x इक्वल टू टू। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगेन यहाँ पे ट्विस्ट था, सबको समझा वो ट्विस्ट क्या था? हाँ सर, वैल्यूज पुट करके चेक करना था। हाँ, अब यहाँ पे क्या था ना कि अगर आप इतना ही सॉल्व करते और सीधे आंसर लिखते तो कुछ लोगों ने शायद आंसर टू लिखा होगा, बट अगेन मैंने एक चीज बताया था लॉग के केस में क्या करना, सबसे आखिरी में चेक जरूर करना कि हर एक वैल्यू पे लॉग डिफाइन होना चाहिए। जब आप फाइव पुट करोगे तो फाइव पे ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, कोई इशू नहीं है, सब पॉजिटिव आ रहे हैं। बट जब टू पुट करोगे तो टू पे फर्स्ट टर्म तो डिफाइन होगा पर सेकेंड टर्म डिफाइन नहीं हो पाएगा, बिकॉज टू माइनस थ्री बिकम्स माइनस वन, तो यहाँ पे लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू बनेगी। सो एक्स इक्वल टू टू विल नॉट बी दी पार्ट ऑफ सोल्यूशन, खाली इसका एक ही सोल्यूशन रहेगा, दैट इज एक्स इक्वल टू वन, इसलिए आपका आंसर बनाया। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ फोर क्वेश्चन था जहाँ पे हाँ ये मिस्टेक भी होता है इसमें बिल्कुल। आपने सिर्फ क्या देखा होगा कि सोल्यूशन, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ये सब चीजें क्या है ना कि ये आप टेस्ट से सीखते हो, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ना इन टेस्ट में, अपना एम कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमको स्कोर अच्छा लेके आना या कुछ भी है, ऑब्वियसली स्कोर अच्छा मैटर करता है, बट क्या कहना कि हमको उससे लर्निंग सीखनी है कि जो मिस्टेक्स हुई है वो मिस्टेक्स आगे वाले टेस्ट में ना हो और इवेंचुअली वो मिस्टेक अपने मेन एग्जाम में ना हो बस खाली। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आपने मिस्टेक बोली दैट इज वेरी मच कॉमन, मतलब मैं खुद भी अपने जब पढ़ता था तो मिस्टेक करता था ये वाली कि जल्दी जल्दी देखो अपना एग्जाम में एम क्या होता है कि अरे कैसे भी करके आंसर निकालो उसको टिक करो। जैसे ही आपका आंसर निकला x इक्वल टू फाइव, आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि टू नहीं आएगा फाइव आएगा, बट आपने यहाँ पे फाइव टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि जस्ट आपने एक चीज मिस कर दी, यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन बोला गया था। इसके लिए मैं बताया क्या करता हूँ हमेशा, इसके लिए क्वेश्चन को रीड करते हुए मैं एक चीज ध्यान देता हूँ कि क्वेश्चन में अगर सोल्यूशन बोला है कोई इशू नहीं है, अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन बोला है तो मैं उसको वहां पे अंडरलाइन कर लूंगा ताकि जब मैं उसका सोल्यूशन निकालूं तो मैं उसमें आखिरी में ध्यान रखूं कि मुझे इस चीज को क्रॉस चेक करना है कि आई डोंट नीड नंबर ऑफ आई डोंट नीड द सोल्यूशन, आई नीड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, ताकि मिस्टेक ना हो बस खाली। ठीक है, तो अब ये मिस्टेक एक बार हो गया, आई सपोज नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा बिकॉज आप लोगों को याद रहेगा बेसिकली। ठीक है, यस चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन 22nd। हाँ, अगेन अ क्वेश्चन बेस्ड आउट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये सॉल्व किया था क्लास में। हाँ, आई सपोज मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, स्टिल एक बार बता दो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन के दो पार्ट से, पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज वन पार्ट। मुझे बताओ इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, यस करेक्ट है, यहाँ पे आप क्या करोगे इस पार्ट के लिए, इसको लिख सकते हो 2 अपॉन 1 बाय 2 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, बेसिकली जो बेस का रूट 2 है उसका पावर 1 बाय 2 है, तो आपने 1 बाय 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये टर्म तो 1 बन गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो फाइनली आपको मिलेगा कि ये जो पार्ट है इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट मुझे बताओ 256 को आप क्या लिख सकते हो? 2 raise to 8, मैं बोलूंगा उसको 4 raise to 4 लिखो बेटा, क्योंकि आपके पास बेस 4 चल रहा है ना सर। हाँ बेटा, सर जो प्रीवियस में किया था उसमें भी यही रूट 17 में उसमें भी ऐसे ही हो रहा था हाफ। हाँ उसमें भी सेम था, सिर्फ उसमें क्या था कि उसमें बेस में नहीं था, उसमें आपके पास यहाँ पे 17 किया था हम लोगों ने, क्यों? क्योंकि वहां पे बाहर 2 नहीं था, बाहर 1 by 2 था अपने पास। हाँ, नाउ यहाँ पे 256 जो है, आई नो इट इज 2 टू द पावर 8, बट 2 टू द पावर 8 लिखने से बेटर है कि इसको 4 टू द पावर 4 लिखो, बिकॉज बेस भी 4 है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा वैल्यू सिंप्लीफाई होके आपको सिर्फ 4 आंसर देगा। ये समझा मैंने कैसे लिखा? यस सर। सो दिस टर्म रिड्यूसेस टू 4, अब इस 4 को क्या लिखोगे बोलो? 2 स्क्वायर बेसिकली, जब 2 स्क्वायर लिखा तो ये पूरा टर्म 2 में रिड्यूस होगा एंड फाइनली आपको दिखेगा log 2 to the base 2 that is nothing but equal to 1, तो इस पार्ट का आंसर आएगा आपके पास 1, इस पार्ट का आंसर आएगा 4, तो 1 plus 4 फाइनली आपको आंसर मिलेगा that is equal to 5, तो इस पार्ट का आपका आंसर होना चाहिए that is equal to 5। ठीक है, सिर्फ सिंपलीफिकेशन पे बेस था, ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज यहां पे कुछ नहीं करनी थी। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस। ओके, और मुझे बताओ इस पूरे पार्ट में या इस क्वेश्चंस में जो हमने डिस्कस किया इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का मिस हुआ और डिस्कस करना हो? एनीवन? चलो ओके, अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इनको अपने को सॉल्व करना है। आज हम लॉग क्लोज करेंगे,
नेक्स्ट सेशन से हम न्यू चैप्टर या न्यू पार्ट स्टार्ट करेंगे विच इज मॉड्यूलस. चलो सो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको अब आपको सॉल्व करना है. जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओगे मुझे. फर्स्ट वन इज log 3 upon x minus y is equals to log of 5 upon y minus z is equals to log of 7 upon z minus x. Then find the least value. अरे एक मिनट रुको, ये आपको नहीं आएगा अभी. इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो आपने नहीं पढ़ा अब तक. जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, ये क्वेश्चन मत करो. आई गिव यू सम अदर वन. इसमें एक एएमजीएम कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी नहीं आता है. Try to solve this one. अच्छा, सब लोगों को एपी के बारे में पता है? What is AP? Arithmetic progression. सुना तो होगा ना इससे पहले? हाँ, तो एक question दे रहा हूँ. वहाँ पे एपी का बहुत बेसिक सा यूज है. इसको एक बार ट्राई करना और मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा. If log to the base 2 of 5 into 2 to the power x plus 1. This is first term, comma, log to the base 4 of 2 to the power 1 minus x plus 1 comma 1 are in AP. Teen terms diye aapko. First term is log to the base 2 of 5 into 2 ki power x plus 1 comma log to the base 4 of 2 to the power 1 minus x plus 1 and 1. Ye teen numbers hai. ये एपी में है तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा. देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा उसका सोल्यूशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. आपको सिर्फ उसको प्रॉपरली क्रैक करना है. मुझे सिर्फ इतना बता दो, इन जनरल अगर कोई तीन नंबर्स ए बी और सी एपी में होते हैं तो इसका आप कंडीशन क्या यूज करते हो, इसका मतलब आप क्या डिडक्ट करते हो. सर, 2b is equal to a plus. Yes, 2b is equal to a plus c. वही लॉजिक यहाँ भी चलेगा. You need to consider this as A, this as B, and this as C. चलो try करो आप लोग, फिर इसको discuss करेंगे. Sir. Yes, बेटा. Sir, AP का अलग से chapter है कोई specific? Yes, बिल्कुल है, definitely. अभी जो chapter अभी आप देख रहे हो ये, हाँ, वहाँ पे अपने पास AP, GP, HP और series. एक ही chapter के अंदर चार part आते हैं, उसको हम बोलते हैं sequence and series, ठीक है? पूरा चैप्टर आएगा, डोंट वरी, हम प्रॉपरली पढ़ेंगे. जो आपने टेंथ में पढ़ा है वो सब भी पढ़ेंगे और उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी, वो सब भी डिस्कस करेंगे. हाँ, सो यू हैव 2 मिनट्स, सभी लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ. सर, 2b कैसे है वो नहीं समझ रहे. हाँ, 2b के लिए क्या होता है ना, एपी का अपना कंडीशन होता है कि एपी में दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कॉन्स्टेंट होता है. तो क्या मैं ऐसा बोलूं b माइनस ए शुड बी इक्वल टू c माइनस b, ये बोल सकता हूँ? इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा. अब इस b को यहाँ लेके आओ तो b प्लस बी ये बन जाएगा 2b और a को यहाँ लेके जाओ इक्वल टू a प्लस c कंडीशन. अभी क्लियर है? सबका डिफरेंस कॉमन ही रहता है ना, कॉन्स्टेंट. यस, सबका डिफरेंस सेम होता है बेटा, कांस्टेंट होता है. मतलब हर दो टर्म कंसेक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस सेम होता है आपके पास.
सर जो 5 into 2x है उसको 10x लिख सकते हैं। ओके एनीवन गॉट द आंसर? क्या हुआ, किसी का भी सॉल्व नहीं हुआ? चलो सॉल्व कराऊं या फिर और टाइम चाहिए बताओ? सर बताओ। ओके चलो लास्ट 1 मिनट ट्राई कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं इसको। ओके चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ, थोड़ा केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है और क्या इसका लॉजिक था। सबसे पहली चीज तो अपने पास जो फर्स्ट टर्म है, इस टर्म को मैं ए अज्यूम कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग दिस एज बी एंड दिस एज सी। अब मैं कंडीशन सेम यूज करूंगा 2b = a + c। इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है ये केयरफुली ऑब्जर्व करना। 2 times ऑफ मिडिल टर्म दैट इज 2x ऑफ लॉग टू द बेस 4 ऑफ 2 to the power 1 - x + 1 is equal to a, first term हो जाएगा आपके पास log to the base 2 of 5 × 2 to the power x + 1 + c, that is 1। ठीक है, ये सबको स्टेप समझा मैंने कैसे लिखा? बोलो
किसी को भी इस स्टेप में डाउट है? ओके, दिस इज नथिंग बट 2b इक्वल टू a प्लस सी. नाउ अब मुझे आप बताना सिंप्लीफिकेशन का स्टेप. सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ टर्म्स में लॉग है, कुछ में लॉग नहीं है, तो मैं सभी में लॉग क्रिएट करता हूँ विद इक्वल बेस. मुझे बताओ इस टर्म को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? सर 4 log. नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा log टू द बेस 2 ऑफ 2 टू द पावर 1 माइनस x प्लस 1. बेसिकली बेस 4 था, तो बेस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, तो बाहर एक 2 कैंसिल हो जाएगा. ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा? लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया बेस वाला. मैं सभी को बेस 2 में रिड्यूस कर रहा हूँ. नेक्स्ट इज, ये ऑलरेडी बेस 2 में था, 5 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1. नाउ द नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप इज, इस 1 को क्या लिखेंगे? Yes, log of 2 to the base 2. हाँ, ये पूरा करने के पीछे रीजन खाली एक ही था कि अपने पास सभी टर्म्स का बेस आइडेंटिकल हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको किया है. अब यहाँ पे सिंपल सा समझना, लेफ्ट हैंड साइड को रखता हूँ मैं एज इट इज. लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है उसको मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करूंगा. इस वाल की एज इट इज 2 टू द पावर 1 माइनस x प्लस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू. राइट साइड में क्या बनेगा ये बोलो? 2 इंटू हो जाएगा, वेरी गुड. 2 इंटू 5 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 1 टू द बेस 2. अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों साइड लॉग का बेस सेम है, लॉग भी सेम है, तो लॉग को रिमूव कर देते हैं. डायरेक्टली अपने को एक्सप्रेशन मिलेगा 2 टू द पावर 1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1. इस स्टेप तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम? एनीवन? ओके, अब बताना सिंप्लीफिकेशन पार्ट. 2 की पावर 1 माइनस x को आप क्या लिख सकते हो? 2 अपॉन 2x. वेरी गुड, इसको आप लिख सकते हो 2 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 1 विल बी एज इट इज. नाउ ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 2. अब मुझे बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल मेथड क्या होगा? यस बेटा, टू रेस टू एक्स से क्यों मल्टीप्लाई होगा बेटा? ये इस साइड से बोल रहे हो? हाँ सर. वो तो बाद में करेंगे ना, अभी तो मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ बस खाली. यस बेटा बोलो. सर एलएचएस नहीं समझा. एलएचएस नहीं समझा, ओके. मुझे बताओ इस टू का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में होने वाला है? सो जब इस टू का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में होगा? नहीं, दो ही टर्म है, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ. टर्म को काउंट करने के लिए आपको सिर्फ प्लस माइनस का साइन देखना होता है. ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज सिंगल टर्म बेसिकली. तो मुझे खाली इतना बताओ, चलो अगर मैं आपसे बोलूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 4, तो आप इसका फाइनल आंसर मुझे क्या दोगे? 24. तो आपने क्या देखा कि जो प्रोडक्ट वाला टर्म है उसको आप सिंगल काउंट करते हो, दैट मल्टीप्लाइड बाय 2. अब यहाँ भी वही चीज है, 5 इंटू 2 टू द पावर x, तो बेसिकली इस 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, तो 10 इंटू 2 की पावर x प्लस 2. ठीक है सर, ये नहीं, इससे पहले वाला. अच्छा ये वाला? नो सर, LHS वही इक्वेशन. अच्छा LHS, ओके. देखो LHS का मुझे एक सिंपल चीज बताना. अगर मैं आपसे बोलूं कि x टू द पावर a अपॉन में x टू द पावर b लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखते थे बेटा? a माइनस b. Yes. अब इसी को रिवर्स देखो, अगर x टू द पावर a माइनस b लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b. वही लिखा है देखो, x टू द पावर a माइनस b, तो 2 टू द पावर a दैट इज 1 माइनस और अपॉन में 2 टू द पावर b दैट इज x. समझे? Yes sir. So जैसे डिविजन से हम सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन से डिविजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ अब मुझे बताओ, ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद का स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर टी अज्यूम करके. यस वेरी गुड, सबसे पहले हम 2 की पावर एक्स को टी अज्यूम कर लेंगे. जैसे ही मैं 2 की पावर एक्स को टी अज्यूम करूंगा तो ये बन जाएगा 2 अपॉन टी प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी प्लस 2. अब इसको सिंप्लीफाई करना काफी आसान है. यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 अपॉन टी जस्ट अ सेकेंड ये हो जाएगा अपने पास 2 अपॉन t माइनस ऑफ 10 t माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 10 t स्क्वायर माइनस ऑफ t इक्वल टू 0.
प्रॉपर क्वाड्रेटिक में अरेंज करेंगे तो ये अपने को दिखेगा 10 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो. मुझे बोलो इसके फैक्टर्स क्या होंगे. 5 and 4, yes. To be precise, plus 5 and minus 4. तो ये हो जाएगा 10 t square plus 5 t. सर उरली कैसे करते हैं? मतलब समझा नहीं मैं उरली. खाली फैक्टर्स बोल रहे हो आंसर? नहीं प्लस माइनस भी. ओके देखो यहाँ पे कैसा है कि आपको बीच में प्लस चाहिए था. इसका मतलब सिंपल सा था कि जो भी आप नंबर्स बोल रहे हो उसमें बड़े वाला जो है उसका साइन पॉजिटिव रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे बोला 5 एंड 4 तो मैं सिंपल बोल दूंगा प्लस 5 एंड माइनस 4 ये इसके फैक्टर्स होंगे. और ये तो फैक्टर्स हैं, जब रूट निकालते हो तो साइन बदल जाता है. तो इसका रूट आना चाहिए माइनस 5 एंड प्लस 4. रूट में आपको साइन चेंज करना होता है बस खाली, वो आप यहाँ पे चेक करो. बट इस केस में माइनस 5 एंड प्लस 4 नहीं आएगा. इस केस में ये 10 का भी इंपॉर्टेंस रहेगा तो आपको अपने रूट को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. आपके रूट आने चाहिए माइनस हाफ एंड टू बाई फाइव. दिस इज दी ओरल मेथड. मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट अ सेकेंड. पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो आपको वेरीफाई भी हो जाएगा. नाउ इन दोनों में से आई कैन टेक 5t कॉमन. जब 5t कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1. इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन लिया ये भी हो जाएगा 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो. यहाँ पे आपको फैक्टर्स मिलेंगे 5t माइनस 2 इन टू 2t plus 1, 5t minus 2 into 2t plus 1 equal to 0. So, यहां से आप बोलोगे कि दो सॉल्यूशन है. एक है t equals to 2 by 5 और दूसरा है t equal to minus half. ये तो प्रॉपर मेथड हुआ. अब जो ओरली आप बोल रहे थे उसको समझ लो. सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी नंबर है उसमें फैक्टर्स देखो. जैसे आपने यहाँ पे मुझे फैक्टर बोल दिए 5 एंड 4, आपको फैक्टर्स बोलने हैं विद साइन. साइन करने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है. जो साइन मिडिल टर्म का है वो साइन हमेशा बड़े नंबर का होता है. जैसे 5 एंड 4 मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है तो आपने यहाँ पे देखा तो प्लस 5, और प्लस 5 में माइनस 4 करेंगे तो प्लस 1 बचेगा. तो मैंने इसको साइन आउट कर दिया. नेक्स्ट इज अगर आपके पास एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर का कोई भी कोफिशियंट है तो उसको आपको अपने नंबर से डिवाइड करना है. डिवाइड करने के पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये फैक्टर्स है. फैक्टर्स और रूट में हमेशा साइन का डिफरेंस होता है तो यहाँ पे रूट्स बनेंगे. तो पहले आप क्या करोगे, फैक्टर्स में साइन चेंज कर दोगे. प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया. एंड देन अगर किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रखा है एक्स स्क्वायर को तो उससे डिवाइड करना है. अगर वन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आपका आंसर हो जाएगा. बट अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो उससे डिवाइड करो तो आपको फाइनल सोल्यूशन मिलेगा माइनस 1 बाय 2 एंड 2 बाय 5 जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया बेसिकली. नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन, टी हमने क्या अज्यूम किया था, 2 टू द पावर एक्स. यस बेटा सर, रूट रूट में हमेशा अपोजिट साइन लेंगे. यस, रूट का साइन अपोजिट होता है. आप मुझे एक सिंपल चीज बोलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि फैक्टर है x माइनस 4 तो फैक्टर अगर x माइनस 4 है तो रूट कितना होगा, 4. तो यहाँ पे माइनस 4 था तो रूट का साइन प्लस 4. तो हमेशा रूट का साइन अपोजिट होता है बेटा, ये फिक्स है. और सर कोई भी कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देना 2. यस 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 यस, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फ्रैक्शन हो इरेशनल हो आप सबको डिवाइड कर दोगे, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा. और सर हमें वेरिएबल कब कंसीडर करने का वो नहीं समझता. हाँ देखो इस क्वेश्चन में जैसे वेरिएबल का इंपॉर्टेंस कब आता है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मैंने इसलिए इसको मार्क भी किया था कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में 2 टू द पावर x जो है पूरा क्वेश्चन खाली 2 की पावर x में दिख रहा है. तो इस 2 की पावर x को एक सेपरेट वेरिएबल मान के इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. बिकॉज आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेट लगेगा. जब इसको आप वेरिएबल मान लोगे तो आपका क्वेश्चन इजी दिखेगा. तो जनरली वेरिएबल अज्यूम कब करते हैं, जब आपको पूरे क्वेश्चन में एक ही टाइप का वेरिएबल दिखे और बार बार रिपीट हो. जैसे इस केस में 2 की पावर x था जो बार बार रिपीट हो रहा था तो मैंने उसको t अज्यूम कर लिया बेसिकली. दिस इज द सिंपल लॉजिक. अगर इसमें 2 की पावर x के अलावा सपोज करो 5 की पावर x भी होता तो अब मैं अजम्पशन नहीं करता, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट ये है अजम्पशन करने की कि वेरिएबल का टाइप एक ही होना चाहिए, एक ही टाइप का वेरिएबल बार बार रिपीट करना चाहिए बस खाली. ठीक है ओके. नाउ अभी x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो पहला केस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 बाय 5. सेकंड केस बनेगा 2 की पावर x इक्वल टू माइनस हाफ. आई होप सेकंड केस तो आप इजीली आंसर कर दोगे. सेकंड केस का सोल्यूशन क्या होगा, नहीं सेकंड केस में देयर वोंट बी एनी पॉसिबल सॉल्यूशन. हमने डिस्कस किया था 2 का पावर कुछ भी दे दो कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, आप कितना भी ट्राई करो.
टू का पावर में आप कोई भी नंबर दे दो, भले पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए. तो टू की पावर एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए इस केस का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा आपके पास. सबको समझाइए, आप चाहो तो चेक कर सकते हो. हाँ, नेक्स्ट इज मुझे इस केस को सॉल्व करना है. अब मुझे बताओ इस केस में मैं एक्स का वैल्यू कैसे निकालूंगा? रूट में आएगा, रूट में आएगा, लॉग में आना चाहिए बेटा. नहीं नहीं, रूट में नहीं, लॉग में आना चाहिए, बिकॉज पावर एक्स है ना. सो सबसे पहले ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है. देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक आप मुझे बताओ. अगर a टू दी पावर x इक्वल टू b है तो x को आप क्या बोलते थे? a रेस टू दी, नहीं, log of b टू द बेस a, जो डेफिनेशन था ना अपना log का, ठीक है. तो इसी लॉजिक को मैं वापस से यूज कर रहा हूँ. 2 टू दी पावर x इक्वल टू 2 बाई 5 है तो इसको आप बोलोगे x इज इक्वल टू log of 2 बाई 5 टू द बेस 2. अब समझा? हाँ. हाँ, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ देखना यहाँ पे, क्या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू log 2 माइनस log 5 अपॉन log 2. बेस चेंज थ्योरम अप्लाई किया और सब्ट्रैक्शन किया तो ये होगा अपना x का फाइनल आंसर. चाहो तो इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 माइनस ऑफ log 5 अपॉन log 2, या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. बट यस, दिस विल बी द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ log. कभी भी एक्सपोनेंशियल में अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है तो आप उसको लॉग लेके सॉल्व करोगे, आपको लॉग के फॉर्म में डेफिनेटली आंसर मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज द फाइनल रिक्वायरमेंट जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि एक्स का वैल्यू क्या होगा. देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, अगेन समझने के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया एपी से, एपी की कंडीशन आपसे यूज करा ली, तो यहाँ पे एक लॉजिक चेक हो गया बेसिकली. एपी के बाद एक कैलकुलेशन का पार्ट करवाया एंड देन कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक यूज करा लिया बाय द सब्स्टिट्यूशन 2 टू द पावर x इक्वल टू t. जब आपने सब्स्टिट्यूशन किया 2 की पावर x इक्वल टू t तो क्वाड्रेटिक हो गया. क्वाड्रेटिक के बाद एक लॉजिक और चेक करा लिया कि यहाँ पे इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, हालांकि इट्स एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बट स्टिल इट डज नॉट हैव अ सोल्यूशन बिकॉज नेगेटिव आंसर आ रहा है. एंड फाइनली लॉग की प्रॉपर्टी यूज करा के लॉग के फॉर्म में आंसर लिया. तो बेसिकली इट्स अ मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन. ठीक है, अपने पास ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है तो इसलिए तो आप लोगों को सिंप्लीफाई इस तरीके से करना है. हाँ बेटा, अभी क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? हाँ बेटा. सर लास्ट में आपने बेस चेंज थ्योरम लगाया ना? यस, बेस चेंज थ्योरम लगाया इस स्टेप में. सो एक बार वो थर्ड स्टेप समझाओ ना. थर्ड स्टेप मतलब थोड़ा सा मुझे बताओ कौन सा वाला बोल रहे हो बेटा? आरएचएस थर्ड स्टेप का. थर्ड स्टेप का आरएचएस मतलब ये वाला? नहीं, उसके नीचे वाला. उसके नीचे ये वाला पार्ट बेसिकली. हाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज रखा है मैंने, इस लेफ्ट हैंड साइड को कोई चेंजेस नहीं किए, आई केप्ट दिस एज इट इज. राइट साइड में अपने पास log of this number to the base 2 है plus log of 2 to the base 2 है. अब दो log है विद द सेम बेस तो मैंने एक प्रॉपर्टी मुझे पता है, log of x to the base a plus log of y to the base a. इसको मैं लिख सकता हूँ log of x into y to the base a. तो बेसिकली मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया. इस प्रॉपर्टी को यूज करने से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए. कौन से दो टर्म्स? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और बेस सेम आ गया अपने पास. ठीक है, ओके बेटा. हाँ, सो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? हाँ, लास्ट स्टेप में कौन सा बताओ? एकदम लास्ट स्टेप जहाँ पे सिंप्लीफाई किया ना सर, उसमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता था, बेस चेंज लगवाना जरूरी था. नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. इसी का एक आंसर आप ये भी लिख सकते हो, x is equals to log of 2 to the base 2 minus of log of 5 to the base 2. This is also the correct answer. Chalega. In fact, isi ko aap chaho to likh sakte ho 1 minus log of 5 to the base 2. Ye bhi correct hai. It's just kaisa hai na ki simplification ka difference hai. Aap ye form mein bhi answer likhoge, ye bhi correct hai. This is also correct. This is also correct. Sabhi correct hai, beta. Theek hai? Sir, par itna lengthy question thodi aayega exam. So, बेटा मैंने कब बोला कि ये एग्जाम में आएगा? ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था. यस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है बट ऑब्वियसली मेंस में नहीं आएगा. ये क्वेश्चन आएगा तो एडवांस में आएगा सीधा, क्योंकि क्या है ना कि इस क्वेश्चन में हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज किए. सेकंडली आपको लेंदी क्यों लग रहा है, बिकॉज मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ. जब आपका प्रॉपरली होल्ड आ जाएगा, कमांड आ जाएगा, तो इसी क्वेश्चन को आप मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर लोगे. ऑब्वियसली 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन मेंस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ये क्वेश्चन आप एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज वहां पे देयर इज नो एज सच टाइम लिमिटेशन.
तो वहां पे आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो ठीक है, अभी हमने खाली समझने के लिए पर्पस से इसको सॉल्व किया है, जरूरी नहीं कि हम हर क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व करें। ऑब्वियसली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा रिलेटिवली आसान रहेगा इससे, बट ये है कि यस यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया, उस क्वेश्चन में इतने कॉन्सेप्ट थे कि इससे आप तीन डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हो, बेसिकली इन इस क्वेश्चन को तीन पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। हाँ, सो अभी सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। हाँ एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको भी सॉल्व करो। नेक्स्ट इज वन अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस टू प्लस वन अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस फोर प्लस वन अपॉन log of a to the base 8 up to n terms, up to n terms is equal to n into n plus 1 upon k is equals to n into n plus 1 upon k, then tell me the final value of k. k का आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है। बेसिकली इट्स अ एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को पहले समझना, आपको दिख रहा होगा कि एक्सप्रेशन में लॉग तो कांस्टेंट है, जहां भी आपके पास लॉग लिखा हुआ है उसमें मुझे कोई इशू नहीं है, हर जगह लॉग का वैल्यू ए है, बट उसका बेस बढ़ते जा रहा है। पहले में बेस है 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, नेक्स्ट में बेस क्या होगा? नेक्स्ट टर्म जो होगा 16 होगा बेटा, यहाँ पे 2 की पावर में चल रहा है बेसिकली। दिस इज 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो नेक्स्ट आएगा 2 की पावर 4, और जो लास्ट टर्म होगा जिसको मैं nth टर्म बोलूंगा उसमें बेस क्या होगा बोलो? log a टू द बेस log a टू द बेस टू रेस टू n। यस बेस होगा 2 रेस टू n। चलो ठीक है, इसको एक बार सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। अगेन यू हैव 2 मिनट्स, आपको लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, देन जो भी आंसर आएगा उसको आरएचएस से कंपेयर करना है। कंपेयर करने में आपको ये सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, खाली के का वैल्यू बचेगा, तो वो के का मुझे आंसर चाहिए। सॉल्व करो और मुझे आंसर बताने का ट्राई करो, यू हैव 2 मिनट्स, एक बार अप्रोच करो। लेट्स सी सर, एलएचएस का एन फैक्टोरियल आंसर आ सकता है? नहीं बेटा, n फैक्टोरियल क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यहाँ पे सिर्फ n into n plus 1 है। अगर ये n into n plus 1, n plus 1 into n into n minus 1 पूरा 1 तक लिखा होता तो ये n plus 1 का फैक्टोरियल बनता, अभी ये फैक्टोरियल नहीं है। फैक्टोरियल क्या होता था? जब भी आप सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते इस वाले का नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी कहाँ दिख रहा है आपको मल्टीप्लीकेशन बेटा? यहाँ तो एडिशन है ना अपने पास, फैक्टोरियल के लिए इट इज मल्टीप्लीकेशन। तो भी आपको एडिशन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं बनेगा। फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन होता है ना, अगर बेस सेम होएगा तो फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 * 4 * 8 * 16 में से होता जाएगा n का। हां बट n फैक्टोरियल में क्या होता था कि हमको रैंडम नंबर्स नहीं चाहिए, हमको लाइन से चाहिए, 1 * 2 * 3 * 4, तो सभी नंबर्स मिलेंगे तो फैक्टोरियल बनेगा, पर अगर सभी नंबर्स नहीं मिले तो फैक्टोरियल नहीं बनेगा बेटा। ठीक है चलो, सब लोग इसको ट्राई करो, फिर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। सर इसमें n कुछ भी हो सकता है ना? यस बेटा, n कुड बी एनी इंटीजर। हाँ मतलब नेचुरल नंबर रहेगा बेसिकली। सर इसमें Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस बेटा, एक्चुअली इसमें Sn का फॉर्मूला लगेगा,
जो आपका एपी का सम का फॉर्मूला है यस उसको यूज के बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो अगर आपको एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है दैट मींस यू ऑन द राइट ट्रैक. आपका अप्रोच करेक्ट है. आपको एसएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेटा. बेटा हमको n फाइंड आउट नहीं करना है, हमको k फाइंड आउट करना है. हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि k का आंसर n के फॉर्म में आ सकता है, बट मोस्टली n के फॉर्म में नहीं आएगा, log के फॉर्म में आएगा. यस बेटा सर आंसर log 4 टू द बेस a इनटू log 4 a टू द बेस a है. आई थिंक एक सिंगल log का टर्म आएगा
चलो चेक कर लेते हैं, किसी और का सॉल्व हुआ है क्वेश्चन? एनीवन? एक सेकंड। ओके चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, लेट्स सी। सर k की वैल्यू 2 अपॉन log ऑफ a 2 बेस। ओके ठीक है, हो सकता है कि आप लोग आंसर किसी डिफरेंट फॉर्म में बोल रहे हो, बिकॉज मेरे पास जो आंसर है वो प्योरली लॉग के फॉर्म में है। लेट्स सी एक बार चेक कर लेते हैं, सिंपलीफाई करके में भी हो सकता है कि सेम फॉर्म में आंसर आ जाए। लॉग ए बेटा बेस क्या है? लॉग ए, लॉग ए टू द बेस रूट टू। लॉग ए टू द बेस रूट टू, इसको भी आप सिंपलीफाई फर्दर कर सकते हो। लॉग ए टू द बेस रूट टू मतलब क्या, मैं इसको बोल सकता हूँ लॉग ऑफ ए स्क्वायर टू द बेस टू? यस सर। हाँ सो वही आंसर है बेटा, करेक्ट है। फाइनल आंसर सर यही लॉग ऑफ ए स्क्वायर टू द बेस टू, ये आपका होना चाहिए करेक्ट आंसर बेसिकली। चेक कर लो सब लोग। यस सर। ओके चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स सी। हाँ सो यहाँ पे सिंपलीफाई करने के लिए मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या यूज किया? सबसे पहला स्टेप क्या यूज किया? रेसिप्रोकल। चलो वेरी गुड, करेक्ट है, रेसिप्रोकल आपने यूज किया। तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा बेसिकली, log of a to the base, sorry, log of 2 to the base a, log of 2 to the base a, plus next हो जाएगा आपके पास log of 4 to the base a, next is log of 8 to the base a, and so on. Last term को मैं लिखूंगा log of 2 to the power n to the base a. Okay, इसके बाद next step क्या use किया बोलो? Sir, ऐसे power में convert किया सब। ओके वेरी गुड, सो इसको आपने लिखा बेसिकली लॉग ऑफ 2 टू द पावर या 2 टू द पावर 1 बेस ए, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ 2 स्क्वायर बेस ए, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ 2 क्यूब बेस ए, एंड सो ऑन अप टू लॉग ऑफ 2 टू द पावर n बेस ए। नाउ ये सभी के सभी टर्म्स एडिशन के साथ हैं, सबका बेस सेम है, तो फाइनली इनके अंदर के वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये आपको दिखेगा log of base a और नंबर के अंदर रहेगा बेसिकली स्टार्टिंग विद 2 टू द पावर 1। जस्ट अ सेकेंड। हाँ log of base a फर्स्ट टर्म रहेगा 2 टू द पावर 1, सेकेंड टर्म हो जाएगा 2 टू द पावर 2, नेक्स्ट टर्म होगा 2 टू द पावर 3, अप टू ये चलेगा 2 टू द पावर n। क्या सबको ये पार्ट समझा मैंने कैसे लिखा? मैंने सिर्फ लॉग का एडिशन का प्रॉपर्टी यूज किया है कि जब मल्टीपल लॉग एडिशन में होते हैं तो उनके अंदर के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो आपका 2 की पावर आ रहा है, इस नेट पावर को ऑब्जर्व करना, ये 2 का जो नेट पावर है आपके पास, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ लॉग ऑफ बेस ए ये नेट पावर हो जाएगा 2 टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। बेसिकली सभी नंबर्स का बेस सेम है तो हमको पता है इनके जो पावर्स हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बेसिकली कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक का जो नंबर्स हैं इनका सम क्या होगा? मुझे इतना बताओ, आपने एपी में सम का फॉर्मूला पढ़ा है? यस सर। यस सर। आई सपोज सम के दो फॉर्मूले पड़े होंगे। Okay, yes, बताओ सर कौन कौन से? Sn equal to n upon 2 tn plus a t1 yes, t1 plus yes. tn the whole into n by very good। एक तो ये हुआ और एक फॉर्मूला और भी था इसके अलावा सर, n upon 2 a plus n minus 1 into very good, करेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैं बोलूं कि ये जो एक नंबर्स लिखे हैं ये एपी में है? यस यस ठीक है। इस एपी का मुझे ए बताओ, ए कितना होगा? 1 वेरी गुड। इस एपी का डी बताओ, कॉमन डिफरेंस 1। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने होंगे? n। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, इसका आंसर आएगा n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो आपने बोला t1 plus tn, तो n by 2 times 1 plus n, मतलब बेसिकली ये जो नेट पावर है ये कुछ ऐसा बनने वाला है अपने पास, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द पावर, इट इज इक्वल टू
log of 2 to the power n into n plus 1 by 2 और बेस ए, ठीक है। अब 2 की पावर में जो भी है वो पूरा उठ के आगे आने वाला है, 2 की पावर में जो भी था वो पूरा आगे आ गया, तो ये क्या बचेगा आपके पास, इट इज इक्वल टू एन इन टू एन प्लस वन बाई टू टाइम्स ऑफ लॉग 2 टू द बेस ए। ये हो गया अपना सिंप्लीफिकेशन। एंड कहीं ना कहीं अपने को RHS भी दिया था, विच इज एन इन टू एन प्लस वन अपॉन के। आपने चेक किया एन इन टू एन प्लस वन आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको k का वैल्यू मिल रहा है। अब प्रोसेस को समझना, k का वैल्यू क्या मिल रहा है। k का वैल्यू मिलेगा 2 अपॉन log of 2 टू द बेस a। क्या मैं इसमें रेसिप्रोकल अप्लाई कर सकता हूँ? यस। ओके, मुझे बताओ जब मैं रेसिप्रोकल अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, log of a टू द बेस 2। a टू द बेस 2, और ये जो आगे का 2 है ये कहाँ जाएगा बेसिकली, यस पावर में जाएगा। तो ये अपने पास फाइनली हो जाएगा बेसिकली log of a स्क्वायर टू द बेस 2, दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ k, जो मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग से कि ये अपना फाइनल आंसर आना चाहिए, इट शुड बी log of a स्क्वायर टू द बेस 2, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन में समझना कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप था। पहला आपने रेसिप्रोकल किया, बेटर स्टेप, अच्छा स्टेप है, ये अपना प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज वन अपॉन में सॉल्व करना मुश्किल है, बट जब यही नंबर्स रेसिप्रोकल में हो जाएंगे तो सिंपल फॉर्म बनेगा, बिकॉज सबका बेस सेम हो जाएगा। देन हमने ऑब्जर्व किया कि हर एक नंबर के अंदर पैटर्न था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अप टू 2 की पावर n। तो मैंने इन सबको एड करके मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी यूज कर लिया कि एडिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट। तो मैंने इन सभी टर्म्स को आपस में प्रोडक्ट कर दिया। जब सभी को प्रोडक्ट किया तो मैंने देखा कि सबका बेस सेम है, अगर सभी का बेस सेम है तो इनका एक कॉमन बेस लिख के मैं पावर को ऐड कर सकता हूँ। पावर को ऐड किया तो मुझे दिखा एक एपी बना, एंड एपी के सम का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सम का फॉर्मूला यूज किया, देन लॉग का बेसिक सिंप्लीफिकेशन अप्लाई किया, अपने आप आंसर आ गया बेसिकली, ठीक है। सो अभी सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो जल्दी से। Try this one. Log of x to the base 2 whole upon 3 equals to log of y to the base 2 whole upon 4 equal to log of z to the base 2 upon 5k and z upon x cube into y to the power 4 is equal to 1. Z upon x cube into y to the power 4 equal to 1. Then find the value of k. K ka value kya hoga? Ye aapko batana hai. Then find the value of k. Solve karo. Aap sabko approach pata hai. Ek bar try karo, phir discuss karte hain.
सर k इक्वल टू 5 ओके okay, चलो आप में से कुछ लोगों ने आंसर किया है k इक्वल टू 5 चलो लेट्स सी. अच्छा मुझे बताओ अप्रोच क्या यूज किया इस क्वेश्चन के लिए, आइडिया बोलो. सर m ले लिया. ओके वेरी गुड, मतलब आपने इक्वल टू एक कांस्टेंट अज्यूम किया है क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक कांस्टेंट दे रखा था k, तो आप उसको k अज्यूम नहीं कर सकते तो आपने m अज्यूम किया, विच इज वेरी गुड. अब मुझे बताओ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा डायरेक्टली. 2^3m. वेरी गुड, यहाँ पे x का वैल्यू आपको मिलेगा 2^3m. देखो ये सब जो स्टेप्स है ना, ये सब स्टेप आपका टाइम रिड्यूस करेंगे बेसिकली, तो इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है कि एक बार तो हम जब सॉल्व करते हैं तो हम डिटेल में पूरा सॉल्व करते हैं, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम डायरेक्टली इनको यूज करेंगे. जैसा मैंने यहाँ पे किया x इज इक्वल टू 2^3m. ओके नाउ सिमिलरली जब मैं सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे m से इक्वेट करूंगा तो मुझे बताओ y का वैल्यू कितना आएगा. 2^4m. Yes, it will be 2^4m. Very good. What about z ka value? 2^5km. Yes, it is 2^5km. 2^2. Just a second. It should be 2^5 times of k into m. Ye aapka z ka value aayega. Now, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करता हूँ, z upon x cube into y to the power 4, तो z upon x cube into y to the power 4, जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो z हो जाएगा मेरे पास 2^5 km होल अपॉन x cube, मतलब बेसिकली ये हो गया 2^3 × 3 दैट इज 9m into अपने पास y to the power 4 दैट इज 2^16m. ये सबको समझा मैंने क्या किया.
सिर्फ वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं किया मैंने। चलो अब यहाँ पे समझने का ट्राई करना। न्यूमरेटर आपको दिखेगा 2 to the power 5 km। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर, ये कितना हो जाएगा? 2 to the power 25 Now, अब आपके पास ये बन गया है 25 m। दो नंबर्स का अपने पास डिवीजन है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ, बेसिकली पावर का प्रॉपर्टी यूज करके, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 2 to the power 5 km - 25 = 1। अब वी नो कि किसी भी नंबर की पावर का इक्वल टू आंसर 1 तब आता है जब उसका नेट पावर हो जाए 0, तो कहीं ना कहीं, अच्छा 25 m आएगा, सॉरी यहाँ पे, हाँ, सो कहीं ना कहीं 5 km - 25 m should be equal to 0, मतलब यहाँ से कंडीशन मिलेगा 5 km = 25 m, m से m कैंसिल, तो फाइनली आपको मिलेगा k का वैल्यू 5, ठीक है? सो जो आप लोगों ने आंसर बोला है k equal to 5, that is a correct answer। अप्रोच जो है वो अप्रोच में मल्टीपल वेरिएशन हो सकते हैं, बट यस अगेन इनिशियल स्टेप एंड फाइनल स्टेप आपका सेम रहेगा, रेस्ट ऑफ दिस स्टेप कैन चेंज। सो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट, किसी भी स्टेप में? कुछ स्टेप मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व किए हैं, सो जहां भी डाउट होगा पूछ लो। एनीवन? ओके चलो, सो आई सपोज हाँ किसी को डाउट नहीं है इस पार्ट में। हाँ बेटा सर, दूसरा डाउट है, मैं पूछ रहा था इनइक्वालिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में? बिल्कुल बनते हैं, क्यों नहीं बनते बेटा? इनइक्वालिटी में ऐसा है ना, सॉरी सर, कोई चैप्टर से ये मतलब मिक्सअप नहीं, खाली इनइक्वालिटी है। नहीं नहीं, वो भी होता है ना बेटा, देखो एग्जाम में क्या होता है ना कि जब हम किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, लेट अस से जेडब्ल्यू की मैंने बात की, तो किसी भी एग्जाम में रैंडम क्वेश्चंस नहीं आते, हर एक एग्जाम का पैटर्न फिक्स है। दैट पैटर्न इसके 100% क्वेश्चन में से 30% विल बी लेट अस से इजी क्वेश्चन, 40% मॉडरेट क्वेश्चन एंड 30% हार्ड क्वेश्चन, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर किस पार्ट में फॉल कर रहा है। लेट अस से इनइक्वालिटीज से अगर प्लान आउट किया गया कि इजी क्वेश्चन बनेगा, अब जब इजी क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, पर अगर वही इनइक्वालिटीज से हार्ड क्वेश्चन प्लान किया गया तो अब वो किसी कॉम्बिनेशन में आएगा, मतलब हो सकता है किस चैप्टर से मिक्स आ जाए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और इनडायरेक्ट भी आता है बेसिकली अपने पास, ठीक है? हाँ अमान, आपने दो चीजें बोली, मैं दोनों का स्टेप बाय स्टेप आंसर करता हूँ। एक तो जो आप मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बोल रहे हो ना बेटा, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा क्या होता है ना कि मल्टीपल चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, बिकॉज कभी भी मैट्रिक्स एक चैप्टर से नहीं आता, मैट्रिक्स हमेशा मिक्स चैप्टर होता है। बिकॉज मैट्रिक्स में कैसा होता है ना कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम रहेगा विच इज कॉलम वन, तो वहां पे 4 वैल्यूज रहेंगी, कॉलम बी में 4 वैल्यूज रहेंगी। नाउ अब अगर ये एक ही चैप्टर का हुआ तो सॉल्व करना आसान हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं जनरली 4 चैप्टर यूज करते हैं, के 4 पार्ट हैं ABCD, तो फर्स्ट पार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड पार्ट फ्रॉम सेकंड चैप्टर, थर्ड पार्ट फ्रॉम थर्ड चैप्टर, और उस तरीके से लिंक करने का ट्राई करते हैं। तो अभी हम मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बट यस जब हम लोग 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, देन आपको मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन अपने आप देखने लग जाएंगे, बिकॉज वहां पर अपना सिलेबस का पार्ट बन जाएगा वो। सेकेंडली अमान, आपने एक चीज और पूछी थी विच इज CET वाला पार्ट। अच्छा, आप सब लोग एक चीज ये ध्यान रखो, बेसिकली जहां तक मुझे पता है कि आप सभी लोगों का एडमिशन इंटीग्रेटेड है, ठीक है, एटलीस्ट मैक्सिमम लोगों का एडमिशन इंटीग्रेटेड है, तो आप लोगों के लिए CET इज नॉट कंपलसरी। आपने CET दिया नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो भी एडमिशन है वो डायरेक्टली होगा, CET दोगे तो भी होगा और नहीं दोगे तो भी होगा। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि CET के चक्कर में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जो आपका 11 चल रहा है उसको कंटिन्यूस चलने दो, बिकॉज अभी कैसा है ना कि आप एक फ्लो में आ चुके हैं ऑलरेडी। अब हमको जो चीजें पहले करने के लिए 2 लेक्चर लगते थे, अब वो 1 लेक्चर में इजिली हो जाती है, सो कैसा है ना कि एक फ्लो बन चुका है, अगर आप वापस से उस फ्लो को ब्रेक करोगे तो फिर आप वापस से 2 स्टेप पीछे हो जाओगे, तो इसीलिए उस एग्जाम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको अपना कॉलेज नहीं बदलना है एनीवेज, ठीक है? जो कॉलेज आपको हम लोग बताएंगे, जो बताया है आपको ऑलरेडी, वो कॉलेज में कंटिन्यू करो, सो बेटर रहेगा। CET पे ज्यादा फोकस मत करो, बिकॉज ओवरऑल वो आपके रिजल्ट को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, उस CET के बेसिस पे आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला है, ठीक है? वो सिर्फ खाली एडमिशन के लिए जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी को भी अगर CET को लेके कुछ भी डाउट होगा तो पर्सनली हम लोग उसे कॉल करके या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, एंड ये चीज हम लोग एक सेशन भी लेने वाले हैं, वहां पे डिस्कस भी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। अच्छा, किसी और को और कुछ डाउट? एनीवन? सर, मुझे अनिल शर्मा से डाउट था, तो वो बाद में करोगे अभी? सॉरी बेटा, वापस बोलो। सर, RD शर्मा से डाउट था मेरे को, 5-6 सम है। मैंने आपको व्हाट्सएप सेशन में कर लेंगे, एक मिनट को मैं चेक कर लेता हूं। सर, मुझे भी RD शर्मा से डाउट था।
हाँ आर.डी. शर्मा जिन लोगों ने भी सॉल्व किया है ना, वो सब लोग एक काम करो, आपके डाउट्स जो भी उसको अक्यूमुलेट कर लो, उसको हम सेशन में डिस्कस कर लेंगे, मतलब डीएस सेशन में या सेपरेट सेशन प्लेस कर लेंगे, बिकॉज अभी कैसा है कि हार्डली 5 मिनट्स बाकी है एंड नेक्स्ट सेशन मेरा भी 10:15 से है, तो यहाँ पे आप कंप्लीट कर भी नहीं पाओगे. तो इसके लिए एक काम करते हैं हम लोग, इसके लिए आप एक काम करो कि सभी लोग, खाली जिनका डाउट है वो नहीं, सभी लोग आर.डी. शर्मा उससे अटेम्प्ट करना प्रॉपरली एप्लीकेशन से, और अपने अपने डाउट्स अक्यूमुलेट कर लो. हम एक सेपरेट एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे खाली डाउट डिस्कशन ऑफ आर.डी. शर्मा, ठीक है, वो एक सेपरेट रख लेंगे अपन बस खाली. तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व कर लो, इकट्ठा करते जाओ, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वो स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देना, ताकि मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर पाऊँ अपने सेशन में प्रॉपरली. और वही डीएस का पर्पस भी होता है, जैसे कल का जो डीएस अपना हुआ वो ऑलमोस्ट हमने 15-20 मिनट में क्लोज कर दिया, टेक्निकली वो डीएस 1 आवर चलना चाहिए था, आपके उतने डाउट्स होने चाहिए थे, ठीक है. तो कोई बात नहीं, अभी अब से आप स्टार्ट कर रहे हो सॉल्व करना, तो अभी आप सॉल्विंग करो एंड देन हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट डीएस में उस चीज को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, ठीक है. निशांत, ऑफलाइन के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे ही कंफर्मेशन आता है तो सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा. हाँ ये है कि न्यूज़ पॉजिटिव है, डेफिनेटली जल्दी ही स्टार्ट होने का प्लान चल रहा है, बट एग्जैक्ट कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है कि कब होगा. सो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को ही पता चलेगा, हमको ही पता चलेगा, तो स्टार्ट करेंगे. सर फिजिक्स का पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर, मतलब लास्ट लेक्चर की बात कर रहे हो या फिर उसके पहले का भी बोल रहे हो बेटा? लास्ट लेक्चर का पीडीएफ. ओके, लास्ट लेक्चर का पीडीएफ, ठीक है, चलेगा. मैं सर को एक बार बोल देता हूं, तो सर अभी पोस्ट कर देंगे थोड़ी देर में. और सर रिकॉर्डेड लेक्चर का भी बोलना ना. रिकॉर्डेड लेक्चर्स लास्ट वाला या फिर उसके पहले वाले बेटा? चलो डोंट वरी, मैं सर पहले वाले बाकी है. चलेगा, मैं एक बार सर को बोल देता हूं, तो अभी इमीडिएटली अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है. चलो किसी और को और कुछ डाउट, एनीवन? चलो क्लोज करते हैं सेशन को. थैंक यू सर. ओके बेटा, वेलकम.